कर लिए जो हम लास्ट क्लास में बना रहे थे, फायरबेस, फायरस्टोर, हेलो वर्ल्ड। ठीक है जी, इस ऐप को जरा हम ऊपर से नीचे तक एक दफा देख लेते हैं कि इसमें क्या बना हुआ है। इसमें एक कंपोनेंट है इंडेक्स डॉट जी एस, जो बॉयलर प्लेट से हमें जो मिला था वो है, और एक है ऐप डॉट जी एस। ऐप डॉट जी एस के अंदर फिलहाल सारा का सारा काम जो है ऐप डॉट जी एस के अंदर हो रहा है। अच्छा, हमने ऊपर कुछ चीज़ें इम्पोर्ट की हुई हैं जिसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं हमारे पास, ठीक है, और हमने एक्सियोस को इम्पोर्ट किया हुआ है, यूज़ इफेक्ट और यूज़ स्टेट को इम्पोर्ट किया हुआ है, मोमेंट जेएस के नाम से एक लाइब्रेरी जो टाइम के हवाले से हम जिससे काम ले रहे होते हैं, फिर फायरबेस में इनिशियलाइज और गेट फायर स्टोर वगैरह और ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे से ली हुई हैं। इसको बल्कि हम सेम एक में कर सकते हैं ना, सही है, क्योंकि ये भी फायरबेस स्लैश फायर स्टोर से आया हुआ है और ये भी फायरबेस स्लैश फायर स्टोर से आया हुआ है, तो इसको हम सिंगल लाइन में भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको इंडेंटेशन के लिए इसको इस तरह करके कर देता हूँ, अलग अलग ऐसे करके, सही है, ऐसे भी हम कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग के अंदर एक तरीका होता है कि अगर आपके पास ऐसे हॉरिजॉन्टली ना, अगर ये 40 कैरेक्टर या 80 कैरेक्टर तक पहुँच जाए तो हम एक थ्रेशोल्ड उसका सेट करते हैं ना, उससे हम वापस ले आते हैं। यानी अगर आपके पास ऐसे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल आ गया ना स्क्रीन के ऊपर तो ये इसको अच्छा नहीं समझा जाता, उससे फिर आपका ना टाइम एक्स्ट्रा लग रहा होता है। उसके अलावा फायरबेस कॉन्फ़िग हमने इस पर लगाया हुआ है कि कौन से फायरबेस की ऐप से ये कनेक्ट होगा, ये हमारा जो रिएक्ट की ऐप है ये कौन से फायरबेस से कनेक्ट होगा। फिर ये इस कॉन्फ़िग को मैंने क्या किया, इनिशियलाइज ऐप के अंदर पास करके इसको इनिशियलाइज कर लिया, यानी कनेक्शन को लाइव कर लिया, कनेक्ट कर लिया। उसके बाद जो हमें ऐप मिली है, अब ये फायरबेस की ऐप में जैसे हमने देखा था डेटाबेस भी है, होस्टिंग भी है, पता नहीं क्या क्या कुछ है उसके अंदर, तो हमने कहा इसमें से क्या गेट करो, फायर स्टोर निकाल लो इसमें से, हमें फायर स्टोर से काम करना है, हमें ये डेटाबेस मिल गया। अब इस डीबी के ऊपर डॉट लगा के मैं डेटा गेट करूँगा, पोस्ट करूँगा, एडिट और डिलीट सब इसी पे करूँगा मैं। अब यहाँ से मेरा कंपोनेंट स्टार्ट हो जाता है, मेरे कंपोनेंट में तीन अदर स्टेट बने हुए हैं, एक पोस्ट की टेक्स्ट है जो मैं जब पोस्ट करते हुए लिखता हूँ और सेंड का बटन दबाता हूँ ये वो इसमें सेव हो रहा होता है। एक है पोस्ट जिसमें क्या होता है कि तमाम की तमाम पोस्ट जो मेरे स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं जो वो इसके अंदर डिस्प्ले स्टोर हुआ हुआ होता है, ये इनिशियली एक एरे है और जैसे ही पेज लोड होता है मेरा मैं तमाम की तमाम पोस्ट को गेट करवा के इस एरे के अंदर रखवाता हूँ और इस एरे को फिर मैं स्क्रीन पर मैप चला के डिस्प्ले भी करवाता हूँ। इस लोडिंग करके भी मेरे पास एक वेरिएबल मौजूद है जिसको मैं सम टाइम, अगर वेरिएबल शुरू में डेटा लोड हो रहा है कुछ ऐसी चीज़ हो रही है तो वहाँ पे मैं इसको रखवाने की कोशिश करता हूँ, इसके ज़रिए लोडर दिखाने की कोशिश करता हूँ। अभी तक बाय द वे ये यूज़ नहीं किया हमने लोडिंग वाला, लेकिन इससे पहले वाली जो ऐप हमने बनाई थी उसमें ये हमने यूज़ किया था। अच्छा, तो हमारे पास एक उसके बाद यूज़ इफेक्ट है। यूज़ इफेक्ट में लास्ट टाइम हमने दो तरीके से डेटा को गेट किया था, ठीक है, एक तो हमने सिंपल गेट डेटा किया था, उसमें क्या होता था कि एक बार डेटा गेट होके और वो मतलब उसके बाद दोबारा नहीं गेट होता था, और फिर हमने क्या किया था रियल टाइम वाला डेटा गेट करके देखा था। तो अभी जो इस ऐप में जो सिंपल वाला गेट डेटा है उसको मैंने रोका हुआ है, जो रियल टाइम वाला गेट डेटा है वो इस वक्त चल रहा है। अच्छा, और इसका जो रिटर्न है ये क्लीनअप होता है, ये भी हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम, और रिटर्न क्लीनअप का मतलब होता है कि जब इस कंपोनेंट को छोड़ के मैं जाऊँगा तो जो भी कुछ इस कंपोनेंट में मैंने किया हुआ है, सब्सक्रिप्शन की हुई है या कोई ऐसी चीज़ है जो बैकग्राउंड में चलती रहे, उन सबको मैंने ख़त्म करना होता है, तो वो मैं अनसब्सक्राइब कर देता हूँ इसकी सब्सक्रिप्शन को, ताकि सर्वर को पता चल जाए, मेरे डेटाबेस को पता चल जाए कि अब यहाँ पे डेटा मजीद नहीं भेज रहा है, वरना वो क्या करेगा, भेजता रहेगा और आपके नेटवर्क पे लोड रहेगा, आपकी रैम मेमोरी में वो कनेक्शन बिल्ड अप रहेगा, ख़त्म नहीं होगा वो। अच्छा, ये हमारा यूज़ इफेक्ट कम्प्लीट हो गया यहाँ पे। उसके बाद सेव पोस्ट का एक फंक्शन है जो कि कब चलता है, मैं टाइप करता हूँ टेक्स्ट बॉक्स में और एंटर का बटन दबाता हूँ तो ये सेव पोस्ट का फंक्शन चलता है, जो कि क्या करता है, मेरे पास उस टेक्स्ट को जो भी मैंने बात लिखी है उसको कलेक्शन में भेजता है और उस कलेक्शन का नाम है पोस्ट। फायरबेस के फायर स्टोर डेटाबेस में एक कलेक्शन है पोस्ट, उसके अंदर उसको जाके ऐड कर देता है। अच्छा, इसमें क्रिएटेड ऑन और टेक्स्ट, ये दो चीज़ें मैंने डाली हैं। अच्छा, एक चीज़ हमारी ये थी टू डू कि क्रिएटेड ऑन में मैंने ये वाली डेट नहीं डालनी है, मैंने इसकी जगह पे डेटाबेस, क्योंकि ये सिस्टम की डेट है, मेरे सिस्टम की, मेरे लैपटॉप की डेट है, अगर ये डेट मेरे लैपटॉप की गलत होगी तो इसमें वही सेम डेट चली जाएगी,
तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले तो इसका हल निकालना है। तो मैं ये फायरबेस की डॉक्यूमेंटेशन में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ना देखें, ऐड एंड मैनेज डेटा और रीड डेटा, इन दोनों के अंदर ही सारा गेम है मेरा। तो मैं ऐड डेटा के अंदर जाके देखता हूँ कि भाई डेट अगर मुझे रखवानी है तो मैं कैसे रखवाऊँगा। तो मैं क्या करता हूँ, शुरू से लेके एक एक करके इसको मैं एक्सप्लोर करता हूँ इस डॉक्यूमेंट को, तो कहीं ना कहीं मुझे वो नज़र आ जाएगा कि भाई अच्छा ये तो इन्होंने स्ट्रक्चर डेटा में ना वो बताया, थ्योरी समझाई है। अच्छा यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्होंने मेंशन किया होगा कि अगर आपको डेट सेट करवानी है तो वो आपने कैसे करवानी है, जो टाइम स्टैम्प, हाँ ये आ गया ना टाइम स्टैम्प। अच्छा ऐसे करके मुझे टाइम स्टैम्प को क्या करना पड़ेगा, इम्पोर्ट करना पड़ेगा, कहाँ से, फायरबेस स्लैश फायर स्टोर से। तो मैं इसको इम्पोर्ट कर लेता हूँ, ऊपर इतना सारा कुछ जहाँ पे इम्पोर्ट हुआ है वहाँ पे एक ये आइटम भी इम्पोर्ट हो गया, टाइम स्टैम्प। अच्छा अब टाइम स्टैम्प के बारे में ज़रा देख लेते हैं कि क्या है ये, नीचे अलग से ज़ाहिर है बताया होगा इन्होंने टाइम स्टैम्प के बारे में, कहीं ना कहीं नहीं बताया, क्या बकवास हो। ओके डेट एग्जांपल कहाँ है, कहीं फ्रॉम डेट न्यू डेट दिस दिस दिस। पहले तो ये होता था टाइम स्टैम्प अंडर स्कोर करके कुछ होता था इसका, वो डायरेक्ट रखते थे तो वो टाइम स्टैम्प ले लेता था। अभी यहाँ पे ज़रा देख लेते हैं कहीं इन्होंने एग्जांपल बनाई होगी इसमें, भाई तो ये करवा रखी है ये मेरे समझ में नहीं आया। टाइम स्टैम्प फ्रॉम डेट, फ्रॉम डेट दिसंबर 10th 1850, क्या किया इसमें, नॉट श्योर। ठीक है अगर मुझे यहाँ पे नहीं मिला तो फिर मैं एक तुक्का लगाऊंगा, मतलब टाइम स्टैम्प को डायरेक्ट रखवा के तुक्का लगा के देखूंगा कि क्या होता है। सर्वर टाइम स्टैम्प, सही है ये टॉपिक आ गया। अच्छा कह रहे हैं कि यू कैन सेट अ फील्ड इन योर डॉक्यूमेंट टू अ सर्वर टाइम स्टैम्प विच ट्रैक्स व्हेन द सर्वर रिसीव द अपडेट। कह रहे हैं कि जब सर्वर के पास वो डेटा पहुंचेगा ना तो सर्वर उसमें अपना टाइम रख के उसको सेव करवाएगा, और कैसे करना है ऐसे, सर्वर टाइम स्टैम्प। अच्छा इसका ये फंक्शन अलग है, ये वो वाला नहीं है, उसको हटा के मैं ये सर्वर टाइम स्टैम्प रखवा देता हूँ, और सर्वर टाइम स्टैम्प को ऐसे कॉल करवा के रखवाना है। ठीक है तो जहाँ पे भी मैं डेटा स्टोर करवा रहा हूँ वहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं इसको हटा के इस वाले पूरे को और यहाँ पे एक ये चीज़ ऐड करूँगा सर्वर टाइम स्टैम्प। तो इससे क्या होगा, पहली बात तो कि मेरे लैपटॉप में जो मर्जी टाइम हो रहा हो जब ये डेटा सर्वर पर पहुँचेगा ना तो वहाँ पर जो है वो क्या करेगा, वहाँ का टाइम ये रखेगा। ठीक है इससे क्या होगा, स्पूफिंग नहीं कर सकता कोई या चीटिंग नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे फेसबुक पे अगर कोई पोस्ट कर रहा है तो आप सिस्टम का टाइम पीछे करके अब 3 दिन पहले की पोस्ट नहीं कर सकते आप, सही है, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। आप सर्वर सिस्टम का टाइम पीछे भी कर दें तो फेसबुक को पता चल जाता है कि 1 मिनट अगो ये पोस्ट किया आपने, ठीक है, और आपके दोस्तों को भी वो अभी कहीं टाइम दिखा रहा होता है, 3 दिन पहले का नहीं दिखाता, तो वो इस तरह करके कर रहा होता है। ठीक है अच्छा अगला काम मैंने ये करना था, एक तो ये हो गया, अगला काम मैंने ये करना था, ये जो डेटा गेट होता है मेरे पास यहाँ पे रियल टाइम में भी और उसमें भी जो गेट होता है डेटा, उसमें मुझे ऑर्डर बाई करके मंगवाना था। तो ऑर्डर बाई अब मैं किससे करूँगा, उसी टाइम से करूँगा जिससे मैंने डेटा को सेव करवाया, ठीक है, ऑर्डर बाई क्रिएटेड ऑन, कि जब पोस्ट क्रिएट हुई है ना उससे ऑर्डर करके मंगवाओ, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों कर सकता हूँ। तो ज़रा गेट डेटा वाले में आ जाता हूँ मैं, ये ऐड एंड मैनेज डेटा को बंद किया और रीड डेटा में कहीं ना कहीं मुझे इसने ये देखो ऑर्डर एंड लिमिट डेटा का एक सेक्शन बना पाए, यहाँ पे वो बात डिस्कस हुई भी होगी कि ऑर्डर कैसे करके मंगवाना है। अच्छा ये कह रहे हैं कि भाई आप ऑर्डर बाई और लिमिट ये दोनों काम आप कर लें, ऑर्डर बाई और लिमिट। अच्छा ऑर्डर बाई की तो जरूरत हमें समझ में आ गया कि कैसे है, लिमिट की क्या जरूरत है कौन बताएगा मुझे, लिमिट की ज़रूरत हमें कहाँ पे पड़ती है, आप लोग डेली इंटरनेट के यूज़र हैं तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो होना ही चाहिए कि लिमिट की ज़रूरत कहाँ पे पड़ेगी। मतलब ये कह रहा है कि लिमिट 3, मतलब ऑर्डर बाई क्रिएटेड ऑन और शुरू के बस 3 ले आओ, उसके आगे मत लाना। सोचो बताओ, बहुत ज़्यादा है तो डेटा चाहिए नहीं,
और लोग ज़रा बताएं। एक दोस्त कह रहे हैं कि अगर डेटा बहुत पुराना है, 6 दिन पुराना है, तो फिर मुझे नहीं चाहिए। लेकिन फेसबुक में तो आता है, आप 3 साल पहले तक की पोस्ट भी स्क्रॉल करें तो आ जाती है। हाँ नहीं, ये थोड़ी कह रहे हैं कि फीड के ऊपर लिमिट लगेगा या कहाँ, ये तो लिमिट तो कहीं भी लगा सकते हैं ना। लास्ट 3 डेटा दिखाएगा, लास्ट 3 या फर्स्ट 3 दिखाएगा, लास्ट 3 तो नहीं दिखाएगा। नेम से ऑर्डर करेगा, नेम से ऑर्डर करने का मतलब है डिक्शनरी ऑर्डर में करेगा ये, और ए से शुरू होने वाले 3 नाम लेकर आ जाएगा शुरू के, ये करेगा। हमारे केस में हम क्या करेंगे, ऑर्डर बाई हम वो कर रहे हैं क्रिएटेड ऑन, और हम लिमिट लगा सकते हैं 3, 4, 5, 10 लिमिट लगा सकते हैं। गूगल सर्च इस्तेमाल करते हो? गूगल सर्च सब लोगों ने इस्तेमाल किया है? गूगल सर्च में जाके लिखा तुमने कार, या कोई भी जावास्क्रिप्ट लिख दिया, जावास्क्रिप्ट लिखा तो कितने रिजल्ट्स आते हैं? वैसे तो ऊपर शो करता है, अगर यहाँ पे मैं जाके अगर आपको लिख कर दिखाऊँ, मैंने लिख दिया यहाँ पे कि जावास्क्रिप्ट और एंटर कर दिया। अब यहाँ पे ये शो तो करता है कि कितने रिजल्ट आ गए, पता नहीं कितने मिलियन रिजल्ट शो कर दिए इसमें, लेकिन आता सिर्फ 10 या 15 रिजल्ट शो करता है एटम। उसके बाद क्या आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है। इसको क्या कहते हैं, पेजिनेशन कहते हैं। बिल्कुल सही बात। तो हमें लिमिट की जरूरत होती है पेजिनेशन के लिए। हम कहते हैं भाई जा कीवर्ड क्या सर्च करो, जावास्क्रिप्ट, और जितने भी रिजल्ट आ रहे हैं ना आपने लाना 3 है या 10 है आपने। फिर जब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो वो क्या करेगा, वो कहेगा अब 20 ले आओ, फिर नेक्स्ट करूंगा वो 30 ले आओ, ऐसे करके करेगा, और शुरू से स्किप भी करवाता जाएगा। स्किप भी होता है इसके अंदर एक, अभी वो अभी आ जाएगा सामने में। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि ऑर्डर भाई आपने कहाँ पर लगाना है, क्वेरी में जो पहले नंबर पर तो आप रेफरेंस दे रहे हो, दूसरे नंबर पर आपने क्या देना है, ऑर्डर बाई देना है, और तीसरे नंबर पे आपने लिमिट दे सकते हैं अगर आप देना चाहें तो। तो हम आते हैं इस ऑर्डर बाई को सबसे पहले अपने पास इंपोर्ट कर लेते हैं ऊपर। ऑर्डर बाई को मैंने इंपोर्ट कर लिया, और हम अपनी क्वेरी के अंदर अब इस ऑर्डर बाई को ऐड करने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा कॉमा ऑर्डर बाई, और ऑर्डर बाई में क्या लिखा हुआ था हमने, उस फील्ड का नाम, उस फील्ड का नाम था क्रिएटेड ऑन। तो अब ऑर्डर बाई मैंने क्रिएटेड ऑन कर दिया, तो मेरे पास इस ऐप को रन तो नहीं किया हुआ ना, मैंने ये रन किया हुआ है, रन नहीं किया हुआ इस ऐप को, रन कर लेता हूँ। ये इसकी नहीं है कभी मेरे पास, अच्छा अब देखो ये सारी 26 अक्टूबर की पोस्ट आ रही है। अब मैं एक पोस्ट आज करूंगा ना, अभी मैंने कहा एबीसी और पोस्ट, क्या हुआ पोस्ट हुई नहीं, नीचे आ गए यार, ये सारी आज की है क्या, 26, ऐसा कैसे हो सकता है। एक काम करते हैं ना, वो सारा डिलीट कर देते हैं पहले जाके वहाँ से, कल वाली पोस्ट कहाँ चली गई। नहीं करंट डेट तो कल ही की थी ना, अभी देखते हैं भाई इस टाइम ये रहा ना फायरबेस हेलो वर्ल्ड, ये रहा हमारा फायर स्टोर आ गया। पोस्ट आ गई हमारी, और एक काम करते हैं इन सबको डिलीट ही कर देते हैं और दोबारा से नए सिरे से करते हैं। सही है, डिलीट कर दी सारी हमने।
अब यहाँ पे आके हम लिखते हैं ए बी सी पोस्ट, तो ये 26 अक्टूबर 959 यहाँ पे आ रहा है, और डेटाबेस में देखते हैं इसने क्या बनाया है। यार ये क्या बकवास है, अच्छा ये इसने क्रिएटेड ऑन में ना इसने ये लगाया है, मिली सेकेंड में नहीं सेव किया, हम जो मिली सेकेंड में भेज रहे थे ना पहले, इसने ये वाला लगाया है, इसको बोलते हैं आई एस ओ डेट बोलते हैं आई थिंक, तो ये इसने लगाया है। ठीक है, 26 अक्टूबर 2022 आ रहा है, शो हो रहा है इसके अंदर, और 959 शो हो रहा है, बिल्कुल सही शो हो रहा है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, 960 होने तक का वेट करते हैं एक मिनट, उसके बाद हम एक पोस्ट और करेंगे इसमें, ठीक है, और फिर हम एक और पोस्ट करेंगे, फिर हम या बल्कि काम करते हैं ना, इसको हम ऐसे ही करते हैं, मैं कहता हूँ ए बी सी वन सही है, ए बी सी टू, ए बी सी थ्री, ए बी सी फोर सही है, आया सीक्वेंस से लेकिन इस बार, ठीक है। अब हमें क्या करना था, हमें अपोजिट करना था इसको, हमें ये करना था जो लेटेस्ट हो वो टॉप पर आए, ठीक है। तो इसके दो तरीके हैं, नंबर एक तरीका तो ये है कि भाई हम यहाँ पे जब इसको पुश करते हैं ना, जब हम क्या करते हैं इसको अपने हमारे पोस्ट के अंदर पुश करते हैं, तो मैं इसको पुश करने की बजाय अनशिफ्ट कर लूँ ताकि वो शुरू में ऐड करे उसको, राइट। पुश करने से लास्ट में ऐड होता है ना, अनशिफ्ट करने से शुरू में ऐड होता है, तो ये भी कर सकते हैं हम, सबसे पहला तरीका तो ये है। दूसरा हम ये कर सकते हैं, ऑर्डर बाई में भी उसको अपोजिट बता सकते हैं कि यार अपोजिट करके ले आओ ना वो, ये देखो नेम के ज़रिए ना डिसेंडिंग भी बोल सकता हूँ मैं उसको, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर है, मैं डिसेंडिंग ऑर्डर भी बोल सकता हूँ इसको। तो मैं क्वेरी में जाता हूँ और मैं कहता हूँ क्रिएटेड ऑन और कॉमा डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो जैसे मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर किया तो ये क्या हो जाएगा, ये वापस वही हो गया, वापस वही इसलिए हो गया क्योंकि मैंने अनशिफ्ट लगाया था, ठीक है। तो अनशिफ्ट को मैं हटा देता हूँ, पुश कर देता हूँ वापस, ठीक है। तो दोनों तरीके सही हैं, अरे ये क्या हो गया, हाँ सही हो गया ना, सही है, सही हो गया, ठीक है यार। लेकिन ये समझ में नहीं आया, ये टाइम बढ़ता कैसे जा रहा है, ये मैंने मूवमेंट लगाने में कोई गड़बड़ कर दी है ना, क्या नहीं रखा हुआ, क्या रखा हुआ है, अरे हाँ वो अनडिफाइन मिल रहा है ना, नहीं मिल रहा उसको, अनडिफाइन मिल रहा है तो वो अभी सिस्टम की डेट उठा के ले आ रहा है। अच्छा ये क्या हुआ, इसको इनवैलिड डेट कह रहा है ये, इसको ज़रा वैसे ही क्रिएटेड ऑन, हाँ नहीं नहीं असल में मूवमेंट, अगर मूवमेंट को खाली ब्रैकेट छोड़ें मूवमेंट की हम, तो क्या होता है, यार इसको मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ कि लेकर क्या आ रहा है। अच्छा क्रिएटेड ऑन के अंदर नैनो सेकंड्स है और सेकंड्स है, अरे यार इसको प्रिंट कैसे करवाएंगे, इसको प्रिंट कैसे करवाएंगे, नैनो सेकंड्स लेकर आ रहा है ये तो। अच्छा करते हैं कुछ इसका, डॉट सेकंड्स, अच्छा एक दफा जरा ये जो इसके सेकंड्स को एक बार जरा टेस्ट कर लेते हैं, जो ये मिली सेकंड में जो होता है ना टाइम 1970s से लेके अभी तक, उसको ई पोस्ट कहते हैं टाइम ना, तो ई पोस्ट टाइम को जरा हम यहाँ पे कन्वर्ट करके देखते हैं। ये भेजा है ना इसने मुझे, तो इसको ह्यूमन डेट में कन्वर्ट किया मैंने, वेनसडे अक्टूबर 6 5:00 PM, अच्छा वो मिली सेकंड में नहीं है ना ये, अच्छा योर टाइम जोन यहाँ आ रहा है 10:08, सही है, मतलब ये सही लाया है। तो
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डॉट करके क्रिएटेड ऑन क्वेश्चन मार्क डॉट और सेकंड्स ये लगाना पड़ेगा। सही हो गया। अरे मैं यही तो यहाँ देखना चाह रहा था लेकिन इसने पता नहीं क्या किया। ये जो हमारा है ये कितने कैरेक्टर का है, अगर हम न्यू डेट करते हैं डॉट गेट टाइम, अच्छा ये मुझे ज़्यादा कैरेक्टर का दे रहा है ना, और ये है इतना, मतलब तीन कैरेक्टर कम है, मतलब वो सेकंड्स ही है वाकई में, और ये लेता है मिली सेकंड्स, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से, इसको मिली सेकंड बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो अब ये जाके सही होगा फाइनली। पहली पोस्ट जो हमने की थी 9:59 पे की थी, बाकी हमने 10 बजे की थी, अब जो करेंगे वो 10:01 पे होना चाहिए, ठीक है 10:05 बज गए। अच्छा थोड़ी देर तक इनवैलिड डेट क्यों आता है भाई, ये कैसी है, इसका भी कुछ हल निकालना पड़ेगा। ये क्या सीन है भाई, ये थोड़ी देर तक इनवैलिड दिखाता है, कितनी देर तक इनवैलिड दिखाता है, इसका नेटवर्क जरा स्लो करके देखते हैं, नेटवर्क कर देते हैं स्लो में इसका। ये पोस्ट का बटन दबाया मैंने, जब तक सर्वर पे पहुंच नहीं जाता जब तक ये वो लेकर आता है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जो है ना वो कर देता हूँ, कंडीशन लगा देता हूँ कि अगर ये चीज़ हो तो ये लेकर आ जाओ और कुछ भी नहीं लाओ, एम्प्टी स्ट्रिंग। एम्प्टी स्ट्रिंग से वो क्या करेगा, वो करंट डेट शो कर देगा एक्चुअली, कि अगर कुछ नहीं हो तो करंट डेट शो करवा दो, देखते हैं ये काम करता है कि नहीं करता। इसका स्लो 3G हटा देते हैं हम, यार ये तो वही नहीं है, हाँ एक्चुअली मुझे एक अलग से स्पैन बनाना पड़ेगा यहाँ और देखना पड़ेगा कि वो जितनी देर इनवैलिड डेट शो कर रहा होता है उतनी देर यहाँ कुछ तो आता होगा, आ क्या रहा है, इनफैक्ट यहाँ पे आ क्या रहा है, तो वो देखना पड़ेगा। कुछ भी नहीं आता, एम्प्टी आता है, कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल ही एम्प्टी आता है, मतलब ये होता ही नहीं है उतनी देर तक। तो मेरा ख्याल है अब इसमें टर्नरी लगाना पड़ेगा, ये और के ऑपरेटर से तो नहीं हो रहा है ना, ये एम्प्टी स्ट्रिंग को भी इनवैलिड ले रहा है शायद, एम्प्टी स्ट्रिंग को इनवैलिड ही लेगा ये, असल में वो एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है, वो यहाँ पे जब कुछ नहीं होता ना तो अनडिफाइन होता है, अनडिफाइन होता है वो, सही है, यहाँ पे जब कुछ नहीं होता है ना तो वो अनडिफाइन होता है। ठीक है, मैंने कहा भाई मोमेंट को जो है ना एक कंडीशनल में दे रहा हूँ कि अगर ये हो मिल जाए तो ये वाला आइटम रिटर्न करो, और अदरवाइज क्या रिटर्न करो, अनडिफाइंड रिटर्न करो, अनडिफाइंड में ये शायद करंट डेट दे देता है, सेट हो गया। अनडिफाइंड जब इसको मिलता है ना, जब इसको जो चीज़ मिल रही है वो अनडिफाइंड है अगर, तो ये फिर अब सिस्टम की डेट उठा रहा था, हमने देखा था ना थोड़ी देर पहले कि वो सिस्टम की डेट उठा रहा था, तो इसलिए मैंने अनडिफाइंड दिया। अगर मैं इसको जगह एम्प्टी स्ट्रिंग दूंगा तो फिर ये क्या करता है, एम्प्टी स्ट्रिंग में क्या करता है, ये एम्प्टी स्ट्रिंग को ये इनवैलिड डेट बोल रहा है, लेकिन अनडिफाइंड जब इसको मिलता है तो क्या करता है, ये
वो सिस्टम की डेट उठा लेता है भाई। तो मैंने इसको क्या कर दिया, कंडीशनल बना दिया। सही है, इसको जो भी मैंने इनपुट देना था मेरे मोमेंट जे एस को, उसको मैंने कंडीशनल बना दिया। तो मेरा ये काम काफ़ी हद तक अब सेट हो गया। अब जो मेरी लेटेस्ट वाली पोस्ट है ना, वो टॉप पे आएगी। अच्छा, इसको करने का शायद कोई आसान तरीका भी हो सकता है। अब आप इसको जब करने बैठेंगे तो मे बी आपको कोई बेहतर तरीका अगर समझ आए तो उससे भी कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे तो यही समझ में आया तो मैंने यही। सही है जी। अच्छा, अब अगला काम मुझे क्या करना था, अगला काम अब मुझे ये करना था कि हर पोस्ट के साथ एक डिलीट का बटन भी होगा ऑब्वियसली, जब ही तो उसको डिलीट कर पाऊंगा मैं। तो आते हैं अब हर पोस्ट के साथ एक आता डिलीट का बटन बनाते हैं। ये जो स्पैन है मेरा, लास्ट वाला स्पैन सबसे, इसके बाद मैं बोलता हूँ कि एक बटन बनाओ और इसका नाम रखो बटन का डिलीट। तो स्क्रीन पे मुझे कुछ इस तरह से ही नज़र आ रहा है। अच्छा, एक लाइन ब्रेक लगा लेते हैं फिर थोड़ा बेहतर दिखेगा ये। सही है, तो स्क्रीन पे मुझे कुछ इस तरह से अभी ये नज़र आना शुरू हो गया। अच्छा, अब ये डिलीट होता कैसे है ज़रा वो देख लेते हैं। फायरबेस की डॉक्यूमेंटेशन में मैं गया, और फायरबेस के डॉक्यूमेंटेशन में जाने के बाद ये रीड डेटा तो हमने देख लिया, इसमें तो कोई डिलीट का जिक्र नहीं है। है ऊपर वाले में था, हाँ डिलीट डेटा। अब डिलीट डेटा के अंदर आ गया मैं। अच्छा, डिलीट डेटा में आते ही मुझे एक क्या चीज़ दिखी, इसने कहा भाई आप डिलीट डॉक्यूमेंट को क्या करेंगे, आप इम्पोर्ट करेंगे। सही है, डिलीट डॉक्यूमेंट को मैंने ऊपर जाके इम्पोर्ट कर लिया। सही है जी, डिलीट डॉक्यूमेंट को इम्पोर्ट करने के बाद ये क्या चीज़ है खाली, ऐसे नहीं, डिलीट डॉक्यूमेंट को मैंने इम्पोर्ट कर लिया। अब डिलीट डॉक्यूमेंट को इम्पोर्ट करने के बाद इसने कहा कि यार डॉक्यूमेंट तैयार करो एक, उसको डेटाबेस का रेफरेंस दो, कलेक्शन का नाम दो, और कलेक्शन के नाम के बाद जो है ना उसको उस डॉक्यूमेंट की आईडी दे दो। ये एक्चुअली आईडी की शायद बात कर रहा है। डिलीटिंग फील्ड्स, डिलीटिंग कलेक्शन। सही है, डिलीट डॉक्यूमेंट ही हमने करना है असल में। हमने एक रिकॉर्ड उड़ा रहे हैं ना, एक पोस्ट इज एक डॉक्यूमेंट, तो हमें होगा तो इसी तरीके से, इस वाले से होगा। ठीक है, डिलीट डॉक्यूमेंट डॉट जेएस। असल में शुरू में ना इन्होंने एक डेटाबेस बनाया था, एग्जांपल डेटाबेस, ये उससे रेफरेंस ले रहे हैं सारा का ना, उससे ये सारा रेफरेंस ले रहे हैं कि ये DCF क्या चीज़ है। ये समझने के लिए ना हमें जाना पड़ेगा इसमें, जो अंडरस्टैंडिंग ये ना स्ट्रक्चर डेटा जो है, हमें इसमें जाना पड़ेगा। इसमें इन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाकर दिखाया है कि भाई इस तरह का होगा कुछ। एग्जांपल डेटाबेस ना इन्होंने कहीं बनाकर दिखाया है, एक वो हमने शायद मिस कर दिया है। ये शुरू से ना उसी को लेके चल रहे हैं पूरा। हाँ ये रहा, इन्होंने सिटीज़ नाम रखा है अपने कलेक्शन का, और आईडी उसको देते हैं हाथ से। हम तो आईडी हाथ से नहीं देते, वो ऑटोमेटिकली जनरेट कर रहा होता है ना, ये आईडी उसको देते हैं हाथ से कि भाई इस आईडी से बनाओ। ठीक है, लेकिन वो आईडी फिर हमें पता भी होनी चाहिए कि हाँ यार इस आईडी पे ही बन रहा होगा वो। वेल, तो हम वापस आ जाते हैं, और इस डिलीट के ऊपर मुझे क्या करना है, ऑन क्लिक का एक अदद फंक्शन डिफाइन करना है मैंने। अच्छा, मैं फंक्शन यहाँ पे भी बना सकता हूँ, और यहाँ पे जस्ट उसका नाम भी रख सकता हूँ, डिलीट डॉक्यूमेंट करके ऐसे मैं कर देता हूँ। डिलीट पोस्ट करूँगा बल्कि मैं इसका नाम ना, डिलीट पोस्ट। और इसमें जो एक्चुअली इस तरह नहीं होगा ये, मुझे क्योंकि मैं इसको कॉल नहीं कर सकता ना, तो पैरामीटर कैसे दूंगा, ऐसे करना पड़ेगा मुझे। समझ आया कैसे हुआ ये, समझ जाओगे। इसको असल में कॉल इसलिए नहीं कर सकते कि वो रिएक्ट कॉल करता है इसको। सही है, देखो दोबारा से बता रहा हूँ ये क्या हुआ है।
देखो अगर तो ये नॉर्मल होता ना जावास्क्रिप्ट की ऐप होती तो मैं क्या करता, ऐसे ऑन क्लिक देता और मैं कहता भाई डिलीट पोस्ट, और ऐसे कॉल करके यहाँ पे क्या दे देता, यहाँ पे देता ईच पोस्ट डॉट आईडी, ईच पोस्ट की आईडी दे देता यहाँ पे डॉट जो भी आईडी आ रही है, अभी तो मिल नहीं रही आईडी बाय द वे, अभी उसके लिए भी सेटिंग करनी पड़ेगी कि आईडी भी मिले मुझे, ऐसे आईडी दे देता। लेकिन यहाँ पे मेरे साथ मसला ये है कि मुझे फंक्शन का सिर्फ नाम देना है, उसको मैं कॉल नहीं कर सकता, मुझे फंक्शन का सिर्फ नाम देना है, उसको मैं कॉल नहीं कर सकता, बट मुझे हर बटन पे अलग अलग आईडी भी पास करनी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक फंक्शन मैं यहीं पे बनाऊँगा, ये फंक्शन मैंने यहीं पे बना लिया, और इस फंक्शन के अंदर मैं क्या करूँगा, डिलीट पोस्ट को कॉल कर दूँगा ऐसे, और डिलीट पोस्ट को कॉल करते हुए मैं क्या करूँगा, ईच पोस्ट डॉट आईडी दे दूँगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये डिलीट पोस्ट का फंक्शन बना हुआ नहीं है, अभी ऊपर चल के बना लेते हैं इसको, ठीक है। सेव पोस्ट के फौरन बाद मैंने कहा कि भाई क्या बना दो, आप डिलीट पोस्ट बना दो। अब डिलीट पोस्ट बना, डिलीट पोस्ट के अंदर क्या होगा, ये काम होगा, ठीक है, डिलीट पोस्ट। और यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा होगा, एक अदद आईडी मिल रही होगी, पोस्ट आईडी, सही है। तो पोस्ट आईडी मैं यहाँ पे पास करवा दूँगा, ठीक है। डिलीट डॉक्यूमेंट और डेटाबेस मेरा ऊपर जो बना हुआ था डीबी के नाम से, सही है, इस वाले डीबी की बात हो रही है ये। और कलेक्शन मेरा कौन सा है, पोस्ट, और पोस्ट आईडी जो भी मैं पास करूँगा वो पोस्ट डिलीट हो जाना चाहिए, ठीक है। और डिलीट होने के बाद अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे कोई अलर्ट वगैरह दिखा सकता हूँ कि हाँ यार आपकी पोस्ट जो है वो डिलीट हो गई है, लेकिन फ़िलहाल मैं कोई अलर्ट नहीं दिखाता क्योंकि मेरे पास रियल टाइम में क्या लगा हुआ है, रियल टाइम में सारा डेटा आता है, तो जैसे ही मैं डिलीट करूँगा तो वो रियल टाइम में चलेगा दोबारा से, सारी पोस्ट को फिर से कैट करेगा, तो वो स्क्रीन से खुद ही गायब हो जाएगा, तो बंदे को पता चल जाएगा कि हाँ यार मेरा डेटा डिलीट हो गया। अच्छा, अभी प्रॉब्लम ये है कि जब मैं ये डेटा गेट करता हूँ ना तो इसमें आईडी नहीं आती, अब इसके लिए कुछ करना पड़ेगा कि इसकी आईडी भी मिले मुझे। देखो कॉन्सोल पे मैं आता हूँ और इस पेज को जब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये तमाम की तमाम पोस्ट जो मुझे मिलती है ना, इसमें आईडी मुझे कहीं पे भी नहीं मिल रही, टेक्स्ट मिलता है, क्रिएटेड ऑन मिलता है, वो आईडी इसलिए नहीं मिलती क्योंकि जो गेट करवाया ना मैंने इस पोस्ट को, वापस मुझे गेट डेटा में जाना पड़ेगा, रीड डेटा और रियल टाइम अपडेट्स। अभी रियल टाइम अपडेट्स वाला जो काम किया था ना मैंने, इसमें डॉक्यूमेंट डॉट डेटा मैंने सिर्फ गेट किया हुआ है, इसमें डॉक्यूमेंट डॉट आईडी भी होता है, दो होता है, दो चीज़ें मिल रही होती हैं इसमें, कहीं ना कहीं अभी नज़र आ जाएगा डॉट आईडी और डॉट डेटा, इसी में ही होना चाहिए था वैसे। ये वाला हमने किया हुआ ना, ऑन स्नैपशॉट करते हैं और हम कहते हैं कि यार हमें सारा डेटा ला के दे दो। ये जो कॉन्सोल पे प्रिंट करवा रहे हैं ना डॉक्यूमेंट डॉट डेटा, ये डॉक्यूमेंट डॉट डेटा के अलावा डॉक्यूमेंट डॉट आईडी भी यहाँ पे मिल रही होती है कहीं ना कहीं, इस वाले में शायद दिखेगा मुझे। हाँ ये है देखो, इसका सैंपल डेटा बेस ना, ये इसका सैंपल डेटा बेस है जो ये पूरे डॉक्यूमेंट में उसको चला रहा है। कहाँ चलेंगे, सब जगह स्क्रीन पर डेटा ही कंसोल करवा रहा है, आईडी का जिक्र ही नहीं कर रहा, कहाँ पे ये रहा, सही है, हाँ ऊपर वाले में भी था, अच्छा हाँ यार ये तो सब जगह किया है, आईडी है उसकी, जो डॉक्यूमेंट है उसकी आईडी है वो। तो हम अब क्या करेंगे, ये जो हम पुश करते हैं ना अपने पास पोस्ट के अंदर जो डॉट पुश करते हैं डेटा, ये वैसे नहीं पुश करेंगे हम, इसमें आईडी भी रखवाएंगे हम। ये क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है, सही है, ये जो चीज़ है ये जो मैं पुश करवाता हूँ ये चीज़ क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है। अब इसको हम ऐसे नहीं पुश करेंगे, अब इसको हम थोड़ा सा फैंसी तरीके से पुश करेंगे। फैंसी तरीके से पुश करने का मतलब ये है, मैं बोलूँगा लेट डेटा इक्वल्स टू और डॉक्यूमेंट डॉट डेटा,
और फिर मैं डेटा डॉट आई डी करके इसमें वो आई डी रखवाऊंगा। सही है, ये समझ आया क्या हुआ है? और इस डेटा को मैं फिर यहाँ पुश करवाऊंगा, मतलब अब मेरे पास जो यहाँ पे डेटा आ रहा होगा ना उसमें देखो क्या क्या होगा। इसको रिफ्रेश किया मैंने, अब मेरे पास तीन चीज़ें मिलनी चाहिए आइडियली। देखो अब तीनों चीज़ें मिल रही हैं मुझे, आईडी भी मिल रही है। ये समझ आया ना कैसे हुआ? ये जो मेरा ऑब्जेक्ट था ना ये वाला, इसको मैंने एक वेरिएबल में रखवा के और उसमें फिर आईडी भी अटैच करवाई है साथ में। मैंने कहा भाई आईडी भी अटैच करो। इसको करने का क्या कोई आसान तरीका हो सकता था? हो सकता था आसान तरीका करते हैं। ES6 है ना, ES6 makes our life easier। वो तो आप लोग बताएंगे कि ईजी हुई है। ये इसको करने का आसान तरीका है। सही है, और इसको हम कहाँ रखवा देंगे? यहाँ रखवा देंगे। तो इससे भी वही सेम काम हो रहा है। ये आसान है, वो आसान था। देखो मैंने इसमें क्या किया बता रहा हूँ। मैंने बोला पोस्ट मेरे पास एक लोकल वेरिएबल है सिंपल। मैंने कहा भाई मेरे पास जो ये ऊपर आया ना डॉक्यूमेंट, एक नया ऑब्जेक्ट बनाओ जिसमें आईडी के अगेंस्ट डॉक्यूमेंट डॉट आईडी रखवा दो कॉमा, बाकी जो बच जाए उसमें किसको रखवा दो? डॉक्यूमेंट डॉट गेट डेटा को रखवा दो। अब समझ आया क्या हुआ ये? तो ये वाला आसान हुआ ना ज़्यादा। सही है, अब ये सिंगल लाइन में कैसे जाएगा? एक ही बात है, उसको आगे रखो या पीछे रखो, ऑब्जेक्ट के अंदर सीक्वेंस मैटर नहीं करता। ऑब्जेक्ट के अंदर नेम होता है ना, की जो है वो नाम से होता है ना, तो वो मैटर नहीं करता कि आप आगे रखो या पीछे रखो। डॉट अच्छा डेटा था सिर्फ। हाँ ये एक मिनट देख लेते हैं ना यहाँ से। सिर्फ डेटा था। सही कह रहे हो। गेट डेटा नहीं था। सही है, तो ये हमने क्या कर दिया, उसमें आईडी भी इंक्लूड कर ली। तो अब जाहिर है अब आईडी मुझे मिलना शुरू हो जाएगी। अब क्या होगा, जब कोई डिलीट का बटन दबाएगा तो देखो क्या होगा। दोबारा से हम इसको रिवैम्प कर रहे हैं। कोई जब डिलीट का बटन प्रेस करेगा तो ये जो फंक्शन दिया हुआ है ना मैंने डिलीट के बटन पे, ये फंक्शन इतना ये चलेगा। इसके अंदर एक दूसरा फंक्शन कॉल हुआ है, जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये चल जाएगा, ये बीच वाला आइटम। और ईच पोस्ट जो है मेरी उसकी आईडी इसके पैरामीटर में शामिल है। तो जब मेरे पास ये फंक्शन रन होगा यहाँ वाला, तो यहाँ पे मुझे आईडी मिलेगी, एक हर दफ़ा एक यूनिक आईडी मिलेगी। ठीक है, इसको एक मिनट डिलीट वाले को मैं कमेंट करके ना ज़रा इसको सिर्फ कंसोल करवा लेता हूँ कि मुझे क्या आईडी वो मिल रही है वाकई यहाँ पे। सही है, मैंने जस्ट कंसोल करवा लिया कि वो आईडी मिल भी रही है कि नहीं मिल रही, मेक श्योर करने के लिए। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ इस पेज को, और रिफ्रेश करके मैंने डिलीट का बटन दबाया तो देखो ये आईडी मिली इसकी। इस पे दबाया तो एक दूसरी आईडी मिली, इस पे दबाया तो एक दूसरी आईडी मिली, इस पे दबाया तो एक दूसरी आईडी मिली। इसी आईडी से ये डिलीट हो जाएगा। सही है, अब मैं ये डिलीट वाला फंक्शन खोल देता हूँ, और मैं सबसे पहले आके किसको डिलीट करता हूँ? सबसे पहली पोस्ट को डिलीट, गायब हो गया डिलीट। सारी पोस्ट डिलीट हो गई। समझ में आ गया डिलीट कैसे हुआ? ये इतना मुश्किल नहीं है वैसे, ये बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा ट्रेडिशनल डेटाबेस से अलग है इसलिए। खैर आपके लिए तो ये पहली बार ही पढ़ रहे हो ना डेटाबेस,
आपके लिए क्या ट्रेडिशनल, वो तो मेरे लिए ट्रेडिशनल से अलग है, तो इसलिए अब लास्ट काम ये रह गया क्योंकि पोस्ट को एडिट किया गया। हाँ बोलो। भाई डेटाबेस में ये खुद से जनरेट हो रही है ना एक आईडी, लास्ट टाइम देखा तो था हमने। ये देखो ना पोस्ट में जब हम जाते हैं, अरे पोस्ट कहाँ चली गई सारी, अच्छा हाँ डिलीट कर दी ना मैंने, मैंने दो चार पोस्ट क्रिएट कर ली यहाँ पे, सही है। अच्छा पोस्ट तो गई। देखो जब भी पोस्ट बनती है कोई, तो ये रैंडम आईडी बन रही है ना, ये रहा, तो यही रैंडम आईडी है। वो देता है हर दफ़ा जब मैं बोल रहा हूँ पोस्ट का पूरा कलेक्शन लेकर आओ, तो वो तमाम डॉक्यूमेंट आईडी समेत लाता है ना। पहले मैं सिर्फ इतना डेटा गेट करता था डॉट डेटा, अब मैं डॉट आईडी भी गेट कर रहा हूँ, डॉट डेटा भी गेट कर रहा हूँ, उसको मर्ज करके अपने स्टेट में रखवा रहा हूँ। अब हमें क्या करना है भाई, इसको एडिट करना है। एडिट करने के लिए अब हमें क्या करना होगा कि हमारे पास एक बटन होना चाहिए आइडियली, एड डिलीट के पड़ोस में एक बटन होना चाहिए, और जब वो बटन मैं प्रेस करूं तो आइडियली क्या होगी, यही टेक्स्ट बॉक्स बन जाए। ठीक है, ये ऊपर वाला बने, नीचे वाला तो खैर ना बने, नीचे वाला तो सिस्टम खुद देख लेगा कि क्या है। मेरे ख्याल है शायद, पता नहीं, इसको चेंज होना भी नहीं चाहिए ना, अपडेट कर रहा हूँ तो डेट तो वही रहेगी कि पोस्ट ओरिजिनली कब हुई थी, क्योंकि अपडेट में थोड़ी बहुत चेंजेस करता है बंदा, पूरा चेंज नहीं करता। तो सिर्फ यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स बनकर आ जाए और सब कुछ करके मैं ओके करूँ तो वो अपडेट हो जाए। तो पहले ज़रा डॉक्यूमेंट में देख लेते हैं कि अपडेट करने का तरीका इन्होंने यहाँ पे क्या बताया है। अपडेट ये जो ऐड डेटा है ना, इसी के अंदर एक था अपडेट का भी आ रहा था इसी में ही, ये रहा सेट अ डॉक्यूमेंट, और सेट अ डॉक्यूमेंट के बाद कहीं ना कहीं यहाँ पे अपडेट भी आ रहा था। हाँ हाँ कुछ भी लगा दो, बटन बस एक होना चाहिए जिस पर क्लिकेबल हो। ये आ गया भाई अपडेट हमारा। हाँ बोलो क्या लगाएंगे तुम। बटन का टैग तो वही रहेगा ना, या नहीं रहेगा। आ जाते हैं उस फंक्शन पे वापस हम। तुम ये कह रहे हो कि डिलीट के बटन पे मैंने ये फंक्शन लगाया है, तो ये ऑन क्लिक को मैंने कट किया। अब यहाँ पे आईएमजी के ऊपर ये ऑन क्लिक लगाओगे अगर, तो ये ऑन क्लिक तो वही रहेगा ना, ऑन क्लिक थोड़ी चेंज हो जाएगा, ये ऑन क्लिक तो वही रहेगा ना। हाँ एस आर सी में लिंक लग जाएगा तो वो लग जाएगा। आइकन पे हो या इमेज पे हो, ऑन क्लिक ये पूरा तुम कॉपी करके उसके ऊपर लगा दोगे, और कॉपी भी क्यों करोगे, ये समझ में तो आ गया तुम्हें, खुद से लिखोगे अपना कोड, सही है, इतना कॉपी पेस्ट पे भी नहीं किया करो। अच्छा वेल अपडेट डॉक्यूमेंट में देखो क्या हो रहा है, अपडेट डॉक को पहले तो ये कह रहा है इम्पोर्ट कर लें सर आप, तो सर जाके उसको इम्पोर्ट करेंगे। अभी अपडेट डॉक्यूमेंट को मैंने इम्पोर्ट कर लिया। अब अपडेट डॉक्यूमेंट के लिए ना देखो क्या चाहिए, वो डेटा चाहिए कि जिसको अपडेट करना है। ठीक है, इन्होंने कैपिटल ट्रू करके अपडेट किया हुआ है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करके हमारे पास हम एक अपडेट का फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पर। डिलीट पोस्ट था, और डिलीट पोस्ट को ही मैं क्या कर देता हूँ, डुप्लीकेट कर देता हूँ, और मैं कहता हूँ अपडेट पोस्ट, अपडेट पोस्ट। ठीक है, इसमें मुझे पोस्ट की आईडी मिलेगी साथ साथ, और क्या मिलेगा, एक ऑब्जेक्ट भी मिलेगा। अपडेट डेटा इसको मैं कह रहा हूँ, तो एक अदद मुझे ऑब्जेक्ट भी मिलेगा। अब मैंने क्या कहा कि आप क्या करो,
बल्कि मुझे पूरा ऑब्जेक्ट तो खैर नहीं मिलेगा, मुझे टेक्स्ट मिलेगा, क्योंकि एक ही चीज़ मैंने अपडेट करवानी है, तो पूरा ऑब्जेक्ट लेने का फ़ायदा नहीं है। मैं टेक्स्ट सिर्फ इसमें से ले लेता हूँ कि अपडेटेड टेक्स्ट, सही है, क्योंकि मैंने एक ही चीज़ करवानी है। मैं पूरा ऑब्जेक्ट भी बाय द वे यहाँ पे ले सकता था अगर मैं चाहूँ तो, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत है। अच्छा, तो अपडेट डॉक्यूमेंट मैंने कहाँ करवाना है, पोस्ट की कलेक्शन में, और उसकी आईडी क्या होगी, आईडी जो मुझे यहाँ पे मिली है वो होगी, इन्होंने तो डीसी रखा हुआ है फिक्स, ये वाली आईडी होगी। और डेटा क्या रखवाना है मुझे, मैंने कहा टेक्स्ट के अंदर क्या रखवा दो, जो अपडेटेड टेक्स्ट है ना वो रखवा दो, सही है। ये मेरा फंक्शन अपडेट का तैयार हो गया, लेकिन अब इस फंक्शन को कब और कैसे कॉल करना है, यूज़र से इनपुट कैसे लेना है। इस फंक्शन को मैं दो चीज़ दूंगा, पोस्ट की आईडी और अपडेट नया टेक्स्ट एक दूंगा, तो वो जाके उसको अपडेट कर देगा। लेकिन इस फंक्शन को चलाना कैसे है और इसको यूज़र से इनपुट कैसे लेना है और प्रॉपरली, तो उसके लिए हम ज़रा नीचे आते हैं और यहाँ पर गौर करते हैं। पहले तो एक बटन बना देते हैं हाथ के हाथ, मैं कहता हूँ कि भाई बटन और एडिट, सही है। अब एडिट का बटन है ये, अब एडिट के बटन पे मुझे क्या करना है, इस बटन के क्लिक के ऊपर मुझे यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स डिस्प्ले करवाना है, राइट। एडिट का बटन जैसे ही मैं प्रेस करूँ तो यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाए टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। अब ये काम कैसे होगा, अच्छा अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो हमारे पास एक स्टेट ऑलरेडी मौजूद है जिसके अंदर क्या चीज़ मौजूद है, तीन आइटम मौजूद हैं, जिस तीन में से एक यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं इसमें एक चौथा आइटम भी लगा दूँ, इज एडिट इस तरह करके, यहाँ पे मैं बटन की क्लिक होने पे इस पर मैं इस पर की रखवा दूँ मैं कि एडिट हो रहा है, ये पोस्ट इस वक्त एडिट फॉर्म में। हाँ भाई क्या ख्याल है, इज एडिटिंग, तो ये कैसे होगा यहाँ पे काम, मैंने कहा ऑन क्लिक, ऑन क्लिक के ऊपर मैं क्या ऐसा करूँगा वो चेंज हो जाए, ऑन क्लिक पे एरर क्यों दे रहा है भाई, देखो अच्छा ऑन क्लिक पे इसको मैं फंक्शन दूंगा तो फिर ही सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं ऐसा क्या करूँ, कौन बताएगा मुझे, ये जो ईच पोस्ट है ना ये वाली, इसी का ही मुझे अपडेट करना है, ये जो ईच पोस्ट है ना इसी को ही मुझे अपडेट करना है। कौन बताएगा ये कैसे होगा, बताओ यहाँ पे एग्जैक्टली बता दो क्या लिखूँ, इतना तो स्टेट पढ़ चुके हो ना, थोड़ा तो पता होना चाहिए। एक तो ये तो पता चल गया कि भाई सेट डेटा होगा, है ना, क्या था डेटा था, क्या था ऊपर, पोस्ट है, सेट पोस्ट सब, सही है, ये है ना हमारा सेट करने का फंक्शन, तो ये समझ आ गया कि यही है। अब इसमें लिखूंगा क्या है कि जिस पे क्लिक हुआ है वो अपडेट हो जाए सिर्फ, क्या लिखूं इस पे, ऐसा में आईडी और बताओ ना इसमें ऐसा क्या लिखूं कि जिस पे मैंने बटन क्लिक कर रहा हूँ ये अपडेट हो जाए, सारा काम इसी में होगा, नहीं मैं तो एक सजेशन दे रहा हूँ मैं कि अगर मैं या अगर मैं इस तीनों की जगह इन तीनों के साथ एक चौथा भी रखवा दूँ कि इज एडिटिंग और उसको मैं ट्रू फॉल्स करूँ और उस ट्रू फॉल्स पे मैं इसको टेक्स्ट बॉक्स या टेक्स्ट में कन्वर्ट करता रहूँ, हाँ अब बताओ क्या लिखूँ यहाँ पे, अलग से नहीं इसी में बनाना है ना, नहीं ऊपर एक अलग से ऊपर एक बना दिया मैंने, इमेजिन कर लो ऊपर एक मैंने बना दिया, उसमें क्या रखूँ, हाँ नहीं वो तो चलो मैं बना दूंगा ना, वो तो ये तो बहुत इजी है कि यहाँ पे जो टेक्स्ट दिखा रहा हूँ मैं इसको मैं बोलूँगा कि भाई इज एडिटिंग अगर ट्रू है तो टेक्स्ट की जगह इनपुट दिखा दो,
ये तो मैं कर लूँगा, लेकिन अभी यहाँ पे इस बटन के क्लिक पे मैं ये करूँगा कैसे, ये वो इस चौथा आइटम रखवाऊँ कैसे तीसरे के साथ, इस एडिटिंग को ट्रू कैसे करवाऊँ सिर्फ इस पोस्ट के लिए। इवेंट डॉट डालेंगे कैसे, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। नहीं मैं मुझे एग्जैक्टली बताओ यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, ब्रैकेट लिखूँ बड़ी वाली ब्रैकेट, हाँ अब आगे तीन डॉट ये इस पोस्ट नाम है इसका, पोस्ट नाम है इसका, पोस्ट में एस भी लगा हुआ है क्योंकि ये एरे है। कौन सा ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट हमारा चल रहा है मैप में वो ये चल रहा है ईच पोस्ट, तो यहाँ पे ईच पोस्ट लिखूँ मैं, ईच पोस्ट लगाऊँ, कॉमा आईडी अपडेटेड पोस्ट, सेमी कॉलन तो ये होता है, कॉमा कॉलन, ये कॉलन होता है, अपडेटेड टेक्स्ट मैं क्या लिखूँ, एबीसी नहीं, तो जब ये मेरे पास बटन क्लिक होगा, जब एडिट का बटन एडिट का जब बटन यहाँ पे क्लिक होगा तो मुझे जस्ट इसको ये करवाना है ना, मुझे करना ये है कि ये जो तीन आइटम है ना, ये वाले तीन, इसमें एक चौथा आइटम भी ऐड करवाना है, तो अपडेटेड टेक्स्ट तो अभी है ही नहीं ना, वो तो जब कन्वर्ट होगा तो लिखेगा बंदा, वो तो अभी है ही नहीं अपडेटेड टेक्स्ट। ईच पोस्ट डॉट अपडेटेड टेक्स्ट, अपडेटेड टैक्स इक्वल्स टू क्या लिखूँ, ये हटा दो, हाँ ईच पोस्ट डॉट अपडेटेड टेक्स्ट या पोस्ट, कॉलन क्या है, ब्लैंक हो भाई, सब ब्लैंक हो, तुम लोग कुछ समझ ही नहीं आया, तुम लोग सबके सब बिल्कुल ब्लैंक चल रहे हो। पहली बात तो ये सेट पोस्ट में ना ये कर्ली ब्रैकेट तो आएगी नहीं, क्योंकि ये है एरे, इसमें आएगी स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट कैसे आ सकती है इसमें। उसके बाद ये तो पोस्ट्स आ गया, सब सारे पोस्ट इसमें आ गए। अब यहाँ पे क्या आखिर में कुछ ऐड करूँ मैं, अगर यहाँ पे मैं कुछ ऐड करूँगा तो इस पोस्ट के अंदर एक नया आइटम ऐड हो जाएगा और वो एक अलहदा पोस्ट के तौर पर नज़र आएगा, मुझे ये तो करना ही नहीं है, मुझे तो उसी पोस्ट के अंदर चेंज करना है, ठीक है। तो ये इस तरह ये होगा ही नहीं, पहले यहाँ पे मुझे उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा ये पोस्ट है कौन सी वाली, और ये मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा, ये मैं पोस्ट के ऊपर एक मैप चलाऊँगा, और पोस्ट्स के ऊपर एक मैं मैप चलाऊँगा यहाँ पर, और मैप चला के मैं उसको बोलूँगा ईच पोस्ट यहाँ पे मुझे पकड़ाओ, सही है, और मैं यहाँ पे से रिटर्न करूँगा क्या चीज़, अगर ईच पोस्ट डॉट आई डी इक्वल्स इक्वल्स हो जाए किसके, अच्छा मुझे इसका नाम थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये ईच पोस्ट डॉट आई डी और ये ईच पोस्ट डॉट आई डी सेम हो रही है, ठीक है, ईच आइटम कर देता हूँ इसको मैं, सही है, मैं इसको कहूँगा कि ईच आइटम डॉट आई डी अगर ट्रिपल इक्वल्स टू है किसके, ईच पोस्ट डॉट आई डी के, अगर इक्वल हो जाती है तो मैं मुझे समझ में आएगा कि अच्छा ये वाला वो आइटम है जो मैंने क्या करना है, जिसको मैंने चेंज करना है, ठीक है। अच्छा अब ये आइटम मुझे आइडेंटिफाई हो गया, अब मैं क्या करूँगा, मैंने कहा इफ़ ये अगर हो जाता है ऐसा तो क्या करो, तो मैं बोलूँगा कि
यहाँ पे तो रिटर्न करूँगा एग्जैक्टली इसको ना, एल्स पे होगा ये, सही है। अगर तो ये मैच नहीं हो रहा ना तो वो आइटम सीधे सीधे रिटर्न करना है मैंने, और अगर मैच हो गया जिस दफ़ा में तो फिर मैं क्या करूँगा, रिटर्न यहाँ पे करूँगा एक, अब ऑब्जेक्ट है ना ये, मैं कहूँगा डॉट डॉट डॉट, सही है, ईच आइटम को एज इट इज़ रिटर्न करूँ, कॉमा जो इज एडिटिंग इक्वल्स टू ये करूँगा मैं, और ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि ये क्या है, कॉन्स्ट अपडेटेड स्टेट। ये मैंने असल में बटन के क्लिक पे क्या किया, क्योंकि बटन के क्लिक पे मुझे मिलती है आईडी, बटन के क्लिक पे मुझे मिलती है आईडी, सही है, और ईच पोस्ट डॉट आईडी करके मुझे मिलती है ये चीज, बटन के क्लिक पे मुझे क्या मिलती है, मुझे तो आईडी मिलती है, उस आईडी से मैंने जो मेरा स्टेट है उस पूरे में तलाश किया, उस पूरे स्टेट को अपडेट करके एक अलग से अपडेटेड स्टेट बना लिया। अब इस अपडेटेड स्टेट को ना मैं इधर डंप करवाऊंगा, और डंप करवाने से पहले मैं क्या करूंगा, इसका मुझे रेफरेंस तोड़ना पड़ेगा, क्या मुझे रेफरेंस तोड़ने की ज़रूरत है यहाँ पे, या मैं ऐसे करूंगा तो हो जाएगा, अगर रेफरेंस तोड़ने की ज़रूरत होती मुझे तो फिर मैं क्या करता, मैं ऐसे करता, लेकिन क्या मुझे इसकी ज़रूरत है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ये मैप है ना ये ऑटोमेटिकली रेफरेंस को ब्रेक कर देता है, ठीक है, मैप से रेफरेंस ऑटोमेटिक ब्रेक हो जाता है, तो मुझे इसको ब्रेक करने की दोबारा से ज़रूरत नहीं है, मैं इसको सिंपल ऐसे रखूँगा। ये मैंने क्या किया है, गौर से इसको देखो क्या हो रहा है, मैंने ऊपर जो स्टेट थी ना मेरी मेन स्टेट जिसमें तमाम पोस्ट आती थी उस पर मैंने मैप चलाया, मैंने कहा सारे आइटम को ढूंढो और ये हर आइटम की आईडी को चेक करो कि वो इस पोस्ट वाली आईडी से क्या मैच हो रही है, अगर मैच हो रही है ना तो उसमें ये एक्स्ट्रा आइटम रखवा के रिटर्न करवाओ, अगर नहीं हो रही तो एज इट इज़ रिटर्न करवाओ, और ये मैंने एक अपडेटेड स्टेट तैयार की है और इस स्टेट को मैंने यहाँ पे रखवा दिया, ठीक है। अब देखो उससे होगा क्या, अब उससे इस वाले को भी मैं स्क्रीन पे प्रिंट भी करवा देता हूँ ना, स्क्रीन पे इसको प्रिंट कैसे करवाऊँ, प्रिंट किया बस डायरेक्ट यहाँ पे टर्नरी लगा देता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई ईच पोस्ट डॉट इज एडिटिंग एडिटिंग, अगर इस पोस्ट डॉट एडिटिंग चल रहा है अगर, तो आप क्या रखवाओगे इसकी जगह पे, आप रखवाओगे एक अदर इनपुट, सही है, और इसकी टाइप होगी टेक्स्ट, सही है, और अदरवाइज अगर एडिटिंग ट्रू नहीं है तो आप वो सिंपल वैसे दिखा दो, ठीक है, इसको मैंने रिफ्रेश कर लिया जस्ट इन केस, एडिट का बटन दिखाया तो ये चेंज हो गया, ठीक है, ये चेंज इसलिए हो गया कि मुझे यहाँ पे ये नहीं लगाना था, ये लगाना था क्या, हाँ ये नहीं लगाना था, जी एस एक्स है ना, सही है। अच्छा अब इसको मुझे रिवर्स भी करवाना है कि वंस अगर मैंने एडिट का बटन प्रेस कर दिया है तो अगर मैं या तो एडिट का बटन ही गायब हो जाए या तो एडिट का बटन दोबारा दबाऊँ तो वो ख़त्म भी हो जाए, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे ये बटन के ऊपर ना जो मैंने हार्ड कोडेड ये ट्रू लिखा हुआ है इसके ऊपर मैं लिखूंगा टॉगल, इसके ऊपर मैं लिखूंगा कि भाई ईच आइटम डॉट इज एडिटिंग, ये क्या किया मैंने, जो जिस पे मैप चला रहा हूँ मैं, ईच आइटम है ना वो, हाँ तो सही है ना, ईच आइटम, हाँ ई इसके ऊपर मैं लिखूँगा ईच आइटम डॉट इज एडिटिंग, सही है, और इसके साथ लगा दूंगा नॉट, पहली दफ़ा में तो ये अनडिफाइन होगा ऑब्वियसली, तो नॉट लगाऊंगा तो वो ट्रू हो जाएगा, लेकिन अगली दफ़ा में उसको फॉल्स भी कर देगा, सही है, रिफ्रेश किया मैंने उसको, सही हो गया, यही चाहिए था ना मुझे, ये हम पहले HTML में कई दफ़ा कर चुके हैं भाई, अभी वो बटन भी आएगा ना इसके इसके साथ पूरा बटन आएगा, अपडेट का बटन आएगा, हम अभी करेंगे सब सब करेंगे, हाँ बोलो,
कोड में आ जाओ, ये लो। ये तो मैंने फंक्शन बाहर बनाया ना, चलो इसको भी बाहर बना देता हूँ, ये लो इसको भी सबको मैंने कट किया है यहाँ से, और मैंने कहा कि भाई एडिट सही है, ईच पोस्ट डॉट आईडी ये कह रहे हो ना तुम, तो एडिट का फंक्शन मैं बाहर बना दूँ, इसमें कोई मसला थोड़ी है। ये लो इधर पेस्ट कर दिया, लेकिन अब यहाँ पे ईच पोस्ट डॉट आई डी नहीं होगा, अब यहाँ पे ये वाला होगा पोस्ट आई डी, सही है, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा अभी, यहाँ पर हो गया ये, एक ही बात है। सब पे चल रहा है, जितना भी मेरा तमाम पोस्ट की जो एक लिस्ट है, जो मेरा मेन स्टेट है, जो तमाम पोस्ट को जो कैरी करके बैठा हुआ है, ये उस पर मैप चलाया मैंने। हाँ डायरेक्ट किया ना, ये डायरेक्ट ही तो किया, और कैसे होगा इससे, अगर इससे कोई बेहतर तरीका है तो बताओ, वो कर लेते हैं अभी। हाथ क्या वो ऑब्जेक्ट नहीं है ना, वो एरे है। मिसाल के तौर पे तुम्हें मैं थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ कि मसला क्या है। मसला ये है मेरे पास 12 पोस्ट है, सीधी 12 पोस्ट है, मैंने पोस्ट नंबर एक्स पे क्लिक किया, पोस्ट नंबर एक्स, अब 12 में से कोई एक ही है, अब मुझे नहीं पता कौन सी है, और मुझे आईडी भी मिल गई उस पोस्ट की, इंडेक्स नंबर नहीं मिला, 0 से लेके 12 का इंडेक्स नहीं मिला मुझे, मुझे आईडी मिल गई। हाँ लूप चला के हमने वो आईडी को फाइंड आउट किया। अच्छा मैं इंडेक्स पे भी खेल सकता था बाय द वे, मैं इंडेक्स पे भी ये काम कर सकता था, लेकिन इंडेक्स पे करना सा ना थोड़ा सा इंडेक्स आगे पीछे भी हो जाता है कभी, इंडेक्स पे भी ये तुम जो कह रहे हो ना, इंडेक्स पे भी ये काम हो सकता था, क्योंकि मुझे यहाँ पे इस जगह पे इसका ना आई भी मिलता है, ये देखो इसका आई भी मिलता है मुझे इंडेक्स, तो मैं आई को भी चेंज कर सकता था, लेकिन फिलहाल मैं प्योरली आईडी के ऊपर काम कर रहा हूँ। आईडी के ऊपर जो मैंने काम किया ना, इसको जैसे भी मॉडिफाई कर लिया जाए ये ख़राब नहीं होगा, गड़बड़ नहीं करेगा, ये इंडेक्स जो है ना गड़बड़ करता है समटाइम, इवन दो कि इन्होंने भी जो एरे रखवाया हुआ है ना स्टेट के अंदर, जावास्क्रिप्ट का एरे एरे होता थोड़ी ना, वो तो ऑब्जेक्ट होता है इंटरनली, जावास्क्रिप्ट का जो एरे होता है वो एक्चुअल में एरे नहीं होता, वो आप उसको अगर कभी गलती से प्रिंट करवाएंगे ना उसकी टाइप, तो वो ऑब्जेक्ट देता है, एरे नहीं बोलता वो। हाँ तो एरे असल में जावास्क्रिप्ट का वो इंटरनली ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए वो इंडेक्स के ऊपर नहीं कर रहे हम, अभी हमने आईडी के ऊपर किया है प्योरली, और वो आईडी जो उसकी इस वक्त है आईडी। हाँ एसिंक बनाना नहीं, इसको एसिंक बनाना ज़रूरी नहीं था यार, इसको एसिंक बनाना ज़रूरी नहीं, क्योंकि इसमें अवेट नहीं लगा हुआ ना कहीं नीचे, इसमें नीचे कहीं अवेट नहीं लगा हुआ, इसलिए इसको एसिंक बनाना ज़रूरी नहीं। तुम बात समझ रहे हो ना इंडेक्स पे क्यों नहीं किया मैंने, इमेजिन करो कि इसको मैंने एडिट का बटन दबा दिया, अब इतने में किसी ने आके ना यहाँ से एक पोस्ट और कर दी, मतलब तुम्हारे कंट्रोल में थोड़ी ना है, पोस्ट तो कहीं से भी कोई करेगा तो यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐसा ही है ना भाई, कोई कहीं से भी कोई पोस्ट करेगा तो यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी ना, और ये मैंने पोस्ट कहीं किसी ने कर दिया यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, वो तो नीचे चला गया इधर, अब इसकी इसका इंडेक्स हो गया 2, अब पहले 1 था 2 हो गया, या 0 था 1 हो गया। हाँ भाई मैं यही तो सवाल था ना मेरा, 12 मेरे पास एरे के अंदर 12 ऑब्जेक्ट्स हैं, एरे के अंदर 12 ऑब्जेक्ट हैं, हर ऑब्जेक्ट के अंदर एक आईडी है, अब मुझे ये बताओ कि एरे पे डॉट लगा के मैं क्या लिखूं कि मुझे वो आईडी पकड़ में आ जाए, कोई है तरीका लूप चलाने के अलावा। चलो मैं यहाँ पे एरे बना देता हूँ, एक एरे बना देता हूँ मैं, लेट ए इक्वल्स टू एरे,
सही है। अब एरे के अंदर ये पहला ऑब्जेक्ट है और ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, सही है। और इस हर ऑब्जेक्ट के अंदर मैं एक एक आईडी भी दे देता हूँ, ये मैंने आईडी दे दी हर ऑब्जेक्ट को एक एक, ठीक है। अब मेरे पास ये आईडी है 126, मेरे पास आईडी है। अब ए के ऊपर मैं डॉट करके ऐसा क्या लगाऊं कि मुझे ये 126 मिल जाए, बताओ हैं? नहीं, मैं अभी मेरा इस सवाल का जवाब दो ना, मुझे ये 126 जो है ना, मेरे पास आईडी है, मुझे मिल गई है 126, तो मैं क्या करूं? ए के ऊपर ऐसे एरे लगाऊं और इस पे ऐसे 126 लिखूं, कैसे करूंगा? चलो आईडी के साथ साथ कुछ और भी है, कोई डेटा भी है इसमें, इमेजिन कर लो कोई डेटा भी है, मैंने वो डेटा प्रिंट करवाना है। सब में ना कोई अलग अलग डेटा है, अब मुझे जो है ना, मेरे पास एक आईडी है 126, मुझे मिल गई आईडी। अब मैं इस ए के ऊपर, मुझे कॉन्सोल डॉट लॉग लिख दिया मैंने यहाँ, और अब मुझे ये 126 के अगेंस्ट जो ये डेटा लिखा हुआ है इसको मैंने प्रिंट करवाना है। अब बताओ मैं कैसे प्रिंट करूँ? लूप चलाने के अलावा कोई और तरीका है? ए के ऊपर डॉट लगा के मैं डायरेक्ट करवा सकता हूँ क्या ये काम? ए के ऊपर डॉट लगा के मैं क्या करूँगा? असूलन ये अगर प्रिंट होगा ना तो ये पता कैसे होगा? 126 का इंडेक्स क्या है? 0, 1, 2, 3, सही है। ऐसे होगा ये 3 और डॉट डेटा, ऐसे होगा ये। लेकिन मसला ये 3 मुझे पता कैसे चलेगा? उस आईडी का ऑब्जेक्ट ढूंढा हमने पहले, सही है। लूप चलाने के अलावा कोई तरीका तो नहीं है ना इसका? और अच्छा, लूप अलग अलग तरीके के होते हैं, कुछ लोग इस पर रिड्यूस भी चलाते हैं, कुछ लोग मैप भी चला लेते हैं, वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन वो ऑलमोस्ट तरीका एक ही है। लूप आपको चलाना पड़ेगा इसके ऊपर, फॉर ईच चला लो, जो मर्जी चला लो, वैसे फॉर ईच इस पर चल जाएगा, क्यों नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा, सही है। ये क्वेश्चन समझ आ गया कि हमने वो आईडी मिलने के बाद, अच्छा हम इंडेक्स पे भी कर सकते थे, लेकिन इंडेक्स पे मैंने क्यों नहीं किया वो मैं बता चुका हूँ आपको। इंडेक्स पे इसलिए नहीं किया कि इंडेक्स चेंज हो जाता है, अगर कहीं से नया डेटा आ गया ना तो इंडेक्स क्या हो जाएगा? चेंज। अच्छा, हमारे केस में तो ये होगा ना, हमारे केस में तो ये है कि अगर मैंने एडिट दबाया हुआ है और किसी ने डेटा कहीं से भी भेजा अगर, तो ये बॉक्स ही गायब हो जाएगा, क्योंकि बॉक्स है मेरा लोकल, बॉक्स मेरा जो है वो लोकल स्टेट है ना, मेरा बॉक्स ग्लोबल तो नहीं है, तो जब दोबारा से डेटा गेट होगा तो वो दोबारा से रेंडर करेगा, ये बॉक्स गायब हो जाता है। लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा कि आप इस जगह पे नहीं करवा रहे होंगे, मे बी आपका कोई डायलॉग बॉक्स खुला हो, मे बी आपका कोई अलग से आपने साइड बार खोला हो उसको एडिट करवाने के लिए, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि वो सारे तरीके ही गायब हो जाए, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इस एक तरीका हम और भी कर सकते हैं वैसे इसको ना, थोड़ा सा शायद वो बेहतर तरीका होगा उसमें, जैसे अभी मैं क्या करता हूँ, ऐसे कोई नया डेटा डालता हूँ ना तो ये वो गायब हो जाता है, क्योंकि वो दोबारा से रेंडर हो रहा है। तो एक तरीका और भी हो सकता है जिसमें शायद ये वाला थोड़ा सा इससे बेहतर हो जाएगा, वो ये होगा कि एक स्टेट बना लेता हूँ मैंने अब, सही है, इस लोडिंग के साथ साथ ना इस एडिटिंग, इस एडिटिंग बना लिया मैंने। इस एडिटिंग को शुरू में मैंने क्या रखवा दिया? नल रखवा दिया, सही है। फॉल्स नहीं, फॉल्स तो बूलियन हो जाता है, नल का मतलब है कोई डेटा नहीं है इसमें, खाली ही है, सही है। इस एडिटिंग में मैंने ये रखवा दिया। अच्छा, जब मुझे आईडी मिलती है यहाँ पे, कहाँ गया वो एडिट में, तो मैं बजाय ये सब करने के ना, पूरे अपने मेन स्टेट को अपडेट करने के, मैं कहता हूँ कि यार सेट इज एडिटिंग और उसके अंदर पोस्ट आईडी रखवा दी मैंने। मैंने कहा ये वाली जो पोस्ट है ना मेरी, वो क्या हो रही है इस वक्त? वो एडिट के फॉर्म में, इस वक्त वो एडिट के फॉर्म में, तो मैंने यहाँ पे रखवा दिया।
लेकिन अब यहाँ पे मैंने इतनी मेहनत बचाई है ना, तो मुझे एक दूसरी जगह पे मेहनत करनी पड़ेगी, और वो कौन सी जगह है? वो जहाँ पे ये होता है ना, वो ये इस जगह पे मेहनत करनी पड़ेगी मुझे। मेहनत क्या करनी पड़ेगी? मैं कहूँगा भाई इस पोस्ट डॉट आई डी, ये वाली जो है, अगर वो इक्वल्स इक्वल्स है किसके, इस एडिटिंग के अगर इक्वल्स है, तो फिर आप इसको जो है ना इनपुट दिखाओगे, ठीक है। निस्बतन पहले से थोड़ा बेहतर काम हो गया। इसमें ये भी होगा कि भाई अगर मैंने एक बार एडिट का बटन दबा दिया, अगर एक बार मैंने एडिट का बटन दबा दिया और यहाँ से कोई नई पोस्ट करता हूँ, तो वो एडिट का बटन गायब नहीं हो रहा, ठीक है। वो एडिट का बटन क्या हो रहा है? गायब नहीं हो रहा, वो रह रहा है वहाँ। सही है, थोड़ा सा ये बेहतर अप्रोच है। तो अब जब यहाँ पे जो भी लिखूँगा मैं, और लिख के जब पोस्ट करूँगा ना, तो फिर मुझे इसकी आईडी उठा के वही वाला काम जो मैंने अभी बचा लिया ना यहाँ पे, ये जो मैंने बचा लिया है यहाँ पे, ये काम ये मुझे दोबारा करवाना पड़ेगा मे बी। अभी देखते हैं आगे कैसे होता है ये, ठीक है। तो ये एक तरीका था, एक ही दूसरा तरीका है। एक ही काम को करने के कई मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। आप 10 बंदों को वही काम देंगे, वो 10 अलग अलग तरीके से करेंगे उसको, ठीक है। तो बहुत सारे मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, और सही गलत नहीं होता, बस अप्रोच की बात होती है। अगर उस यूज़ केस में वो अप्रोच सही चल रही है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं कर रही, एफिशिएंसी सही आ रही है आपकी, तो फिर ठीक है। अच्छा, तो हमने उसको ना कन्वर्ट कर लिया। अच्छा, अब कन्वर्ट सिर्फ करने से नहीं होगा, अब थोड़ा सा इसको हम मज़ीद बेहतर भी बना लेते हैं। मैं कहता हूँ कि भाई अब ना इसके अंदर क्या करोगे आप, इसके अंदर एक अदद होगा फॉर्म पूरा, सिर्फ इनपुट थोड़ी ना होगा। मैं कहूँगा भाई पूरा फॉर्म होगा, ये इनपुट का कंपोनेंट तो कुछ भी बना दो, वो तो फ़र्क नहीं है। ओ यार क्या कर रहा हूँ मैं, अच्छा प्लेस होल्डर क्यों इसके अंदर, बल्कि मैं वैल्यू रख दूंगा ना, वैल्यू में क्या रख दूँ, ईच पोस्ट डॉट टेक्स्ट जो मैं डिस्प्ले करवाता हूँ वही मैं वैल्यू में रखवा दूंगा। मतलब जब बंदा उसको एडिट का बटन दबाए, तो वो टेक्स्ट पहले से लिखा पा रहा होगा उस एडिट वाले बॉक्स के अंदर, सही है। और प्लेस होल्डर भी लगा देता हूँ जस्ट अगर इनकेस बंदा उसको उड़ा देता है टेक्स्ट को, तो प्लेस होल्डर में क्या लिखा हुआ जाए कि प्लीज़ एंटर अपडेटेड वैल्यू, सही है। और ये क्या है, तो रिमूव ही नहीं हो रहा, ऐसा क्यों बोला? अच्छा अच्छा ये वैल्यू पे मैंने रख दिया ना, तो वो फिक्स हो गया वैल्यू। इसमें असल में मुझे वो वाला बनाना पड़ेगा कि भाई ऑन चेंज भी लगाना पड़ेगा, ऑन चेंज, और इसके ऊपर जो प्रॉपर होता है ना पूरा इसका तरीका, अब ऊपर मैं एक स्टेट बना दूंगा इज एडिटिंग टेक्स्ट, और मैं बोलूँगा सेट एडिटिंग टेक्स्ट, जाहिर है जहाँ पे मैं इसके वैल्यू को पकड़ के रखवा रहा हूँ, सही है। ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू कर दिया मैंने उसको, कि भाई चेंज हो ना जब, तो ये आप ये वाली वैल्यू कर दो, सही है। और इज एडिटिंग टेक्स्ट के नाम से एक ऊपर जो है ना, कहाँ गया स्टेट मेरे सारे, सही है, एडिटिंग टेक्स्ट और इज एडिटिंग सेट एडिटिंग टेक्स्ट, ठीक है। जब मैं जाहिर है एडिट का फॉर्म खोलूंगा, तो वहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स में बात लिखूंगा, उसके लिए मुझे एक स्टेट रिक्वायर्ड होगी। अगर स्टेट नहीं रिक्वायर्ड होगी, फिर मुझे आईडी के जरिए गेट एलिमेंट बाय आईडी वाला तरीका करना पड़ेगा, तो शायद स्टेट वाला काम जो है वो बेहतर है, तो हम ये कर लेते हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद फिर मुझे एक काम और भी करना पड़ेगा, एक काम और ये करना पड़ेगा कि अभी जैसे मैं वैल्यू में देता हूँ ये वाला टेक्स्ट, तो फिर तो उसको वो चेंज ही नहीं करने दे रहा मुझे, सही है। तो मुझे वैल्यू के अंदर फिर ये टेक्स्ट नहीं देना पड़ेगा, मुझे वैल्यू के अंदर एडिटिंग टेक्स्ट शायद देना पड़ेगा, सही है। लेकिन एडिटिंग टेक्स्ट को तो शुरू में मैंने रखा हुआ है, खाली एम्प्टी स्ट्रिंग रखा हुआ है, राइट, एम्प्टी स्ट्रिंग रखा है ना, क्या रखा है उसको, अरे नल थोड़ी होगा एडिटिंग, ये एम्प्टी टेक्स्ट होगा, ठीक है, क्योंकि ये टेक्स्ट बॉक्स है, तो शुरू में एम्प्टी टेक्स्ट होगा। तो अब प्रॉब्लम ये है इससे
कि जब मैं इसको एडिट करता हूँ तो पहले से इसमें कैसे लिखा हुआ दिखाऊँ मैं, तो मुझे इसके लिए करना ही होगा कि जैसे ही इस पर क्लिक होता है तो एडिटिंग टेक्स्ट में वो टेक्स्ट उठा के पूरा भेजना पड़ेगा ताकि वो शुरू में ही उसको दिखा दे, शुरू में ही वहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ सही है, तो ऊपर चला गया ये, तो व्हाट इज इन योर माइंड है ना ये वाला। अब ये जो मेरे पास जब क्लिक होता है उसके ऊपर और जब ये इज एडिटिंग ट्रू होता है जब जिस पॉइंट पे, तो उसी पॉइंट पे मुझे क्या करना है, एडिटिंग टेक्स्ट को भी सेट करवाना है। सही है, तो अब क्या करूँगा मैं, ये जो एडिट का बटन है इसके ऊपर ना सिर्फ मैं क्या भेजूँगा आईडी भेजूँगा बल्कि ईच पोस्ट डॉट टेक्स्ट भी भेजूँगा। और इस टेक्स्ट को मैं कहाँ रखवाऊँगा, ये जो इसको मैं सेट एडिटिंग करता हूँ ना, मैं कहता हूँ एडिटिंग टेक्स्ट, सेट एडिटिंग टेक्स्ट एक्चुअली, और इसके ऊपर मैं रखूँगा टेक्स्ट। सही है, यहीं पे इसको मैं टेक्स्ट को भी सेट करवा दूँगा। मैंने कहा ये वाली पोस्ट है जिसको एडिट किया जा रहा है और ये वाला वो टेक्स्ट है जो उसमें रखवाना है। या मे भी एक काम मैं और कर सकता हूँ कि इन दो स्टेट की जगह एक ही स्टेट बना लूँ और उसमें टेक्स्ट और एडिट पूरा एक ऑब्जेक्ट बना के रखवा दूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ, डिपेंड्स ऑन मी। सही है, क्या ख्याल है, एक ही पोस्ट बना देते हैं उसको, दो दो बनाने का की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये देखो पहले से अब लिखा आ रहा है। ठीक है, इस वाले पे चेंज किया तो ये हो गया, इस वाले पे किया तो ये हो गया। ठीक है, मे बी मैं क्या कर सकता हूँ कि ये जो दो अलग अलग मैंने स्टेट बनाई है ना, ये दो अलग अलग स्टेट जो बनाई है, इसको मैं एक स्टेट बना दूँ। ठीक है, मैंने कहा कॉन्स्ट एडिटिंग इक्वल्स टू यूज स्टेट, और मैं शुरू में क्या बोलता हूँ इसको, शुरू में आप हो जाओ एक ऑब्जेक्ट, एडिटिंग और सेट एडिटिंग होगा फिर, नहीं है सही है, सेट एडिटिंग। शुरू में मैंने कहा भाई एक ऑब्जेक्ट हो जाओ, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या रखूंगा मैं, इज एडिटिंग नल कॉमा एडिटिंग टेक्स्ट, ये भी शुरू में एम्प्टी स्ट्रिंग होगा। ठीक है, तो मैंने इन दोनों को हटा के एक सिंगल स्टेट बना दी ताकि मुझे दोनों को अलग अलग अपडेट ना करना पड़े, एक सही अपडेट से काम चल जाए। तो अब मैं इसको क्या करूँगा, इन दोनों को एक साथ अपडेट करूँगा, कहाँ पे अपडेट करता हूँ मैं, एडिट के बटन पे ना, कह रहा ये जो दो लिखता था ना इसकी जगह अब मैं एक लिखूँगा, सेट एडिटिंग, सेट एडिटिंग। सही है, और इसमें अब ऑब्जेक्ट दूंगा मैं, ऑब्जेक्ट देने के बाद क्या करूँगा मैं, कौन बताएगा, यही दिया था दोनों, ये दिया था, पहले तो मैं डॉट डॉट लगा के पूरा यही लिखूंगा एडिटिंग। सही है, और कॉमा डाल के मैं क्या दूंगा, इज एडिटिंग को पोस्ट आईडी, और एडिटिंग टेक्स्ट को मैं दे दूंगा टेक्स्ट। सही है, ये वाला लिखने की बाई दफ़े मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं हर दफ़ा दोनों ही सेट करवा रहा हूँ, तो मुझे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दो स्टेट थी, इसको मैंने एक स्टेट में कन्वर्ट कर दिया शायद, बल्कि इस एडिटिंग जो मैंने लिखा है ना, इसका नाम होना चाहिए एडिटिंग आईडी, एडिटिंग आईडी नाम होना चाहिए, है ना। हाँ, एडिटिंग आईडी, और यहाँ पे भी इसका नाम एडिटिंग आईडी, एडिटिंग आईडी नल है फिलहाल। सही है, तो ये सिंगल स्टेट बन गया मेरे पास एक, और जब भी कोई एडिट का बटन दबाता है तो ये चीज़ हो जाती है। और अब यहाँ पे मैं आगे क्या करूँगा, जाहिर है अब यहाँ पे भी चीज़ चेंज हो जाएगी, यहाँ पे मैं लगाऊँगा कि भाई एडिटिंग डॉट डॉट एडिटिंग आईडी। सही है, और यहाँ पे वैल्यू की जगह और यहाँ पे इसकी जगह भी मैं अब क्या करूँगा, ऐसे करके चेंज करवाऊँगा इसको, राइट, डॉट 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 एडिटिंग कॉमा और टेक्स्ट, क्या था, एडिटिंग टेक्स्ट। हाँ
मासूमाना सवाल, एडिटिंग डॉट एडिटिंग टेक्स्ट, सही है। वैल्यू में मैंने ये टेक्स्ट यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया, और यहाँ पे मैंने टेक्स्ट डिस्प्ले करवा दिया, और ऑन चेंज पे मैंने इस टेक्स्ट को अपडेट करवा दिया। ठीक है, तो अब ज़रा आगे इसको हम चेक करते हैं कि वही फंक्शन, एडिट का बटन दबाया सही है भाई, लिखा हुआ आ रहा है, एडिट का बटन दबाया सही, लिखा हुआ आ रहा है, सही है। ठीक है, और इसमें एक वक्त में एक ही एडिट होगा, दो नहीं होंगे, क्योंकि जाहिर है स्टेट मेरे पास एक ही है, तो एक वक्त में दो नहीं एडिट हो सकते, एक ही होगा। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, इस फॉर्म की सबमिशन करवानी है। ये फॉर्म था, एक अदद इनपुट है इसके अंदर, और अब इसके अंदर एक अदद बटन चाहिए मुझे, जिसका नाम क्या होगा, जिसका नाम होगा अपडेट। सही है, बटन की जगह कुछ भी लगा सकते हो, सब पे ही ऑन क्लिक हो जाता है। यहाँ पे टाइप सबमिट लगा दो, समझा ही नहीं मैं तुम क्या कह रहे हो। बटन की जगह तुम कह रहे हो इमेज लगा सकते हैं, इमेज तो सीखा ही नहीं है ना अभी भाई, डेटाबेस तो सीखो पहले, इसी में 12 बज गए तुम लोगों के। अभी इमेज करेंगे, मैं बता दो रहा हूँ, क्लाउडनरी अभी करेंगे हम, फायरबेस स्टोरेज का बकेट भी करेंगे हम, दोनों करेंगे, कोशिश करेंगे हम जल्दी से जल्दी ये दोनों चीज़ें करेंगे। ठीक है, क्या अरे भाई, पहले बिना ऑथेंटिकेशन वाला तो काम कर लो, ऑथेंटिकेशन भी सीख लेंगे, क्रेड बना लो अभी। सही, ये क्रेड ऑपरेशन कर रहे हैं, ये इतना बना के ले आना अगली क्लास में जितना करवा दिए। ऑथेंटिकेशन ऑब्वियसली करेंगे यार, क्यों नहीं करेंगे, जो भी अगली क्लास होगी अब तुम्हारी कब होगी, फ्राइडे को होगी। सही है, अच्छा एक चीज़ इसमें और भी रहती है, जब मैं एडिट का बटन यहाँ पर दबा देता हूँ, तो मैं दोबारा एडिट का बटन दबाता हूँ तो कुछ भी नहीं होता, तो या तो ये एडिट का बटन नज़र ही ना आए। सही है, इसकी जगह कैंसिल आ जाना चाहिए, हाँ ये सही बात की है उन्होंने, इसकी जगह या तो कैंसिल का बटन आ जाए या तो नज़र ही ना आए। तो फिलहाल मैं, अच्छा इसको कैंसिल करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, बहुत ही आसान तरीका है कि मैं जो आपका वो है ना, ये जो सेट एडिट करता हूँ ना मैं यहाँ से, ये यहाँ पे जो मैं सेट एडिट कर रहा था ऐसे करके, ठीक है, यही कर रहा था ना मैं सेट एडिट, सही है। असल में वो दो ही लाइन का कोड है, तो फिर अलग से क्या फंक्शन लिखे, इसके अंदर ही कर दिया मैंने उसको। नहीं, मतलब एक बार उसने एडिट का बटन प्रेस कर दिया अगर, तो टॉगल कर सकता हूँ मैं, राइट, मैं टॉगल कर सकता हूँ कि भाई उसको दोबारा से नल कर दे अगर एडिट कर दिया तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये जो सेट एडिटिंग है ना, सेट एडिटिंग में मुझे ये जो पोस्ट आईडी है इसको हटाना पड़ेगा, नल करना पड़ेगा, वो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, यही करना पड़ेगा ना मुझे। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं उसको बटन ही को गायब कर दूँ, तो कौन सा वाला ज़्यादा सही है, अभी कौन सा वाला कर लें, बटन गायब करवा दूँ क्या काम चोर हो तुम लोग यार, अच्छा चलो बटन गायब कर लेते हैं, सही है। बटन गायब करने के लिए सिंपल सा एक टर्नरी ऑपरेटर लगेगा, और यहाँ पे क्या लगाऊंगा मैं टर्नरी ऑपरेटर में, मैं बोलूँगा वही ऊपर वाली कंडीशन जो थी वही लगाऊंगा मैं कहता हूँ भाई अदरवाइज एम्प्टी स्ट्रिंग। मैं कहूँगा कि भाई जो आपका एडिटिंग डॉट आई डी अगर है, editing.editingid, सही है, अगर ये जो है नॉट इक्वल्स टू नल है, इस पोस्ट के इक्वल है ना, तो इसमें गायब करवाना है, बाकियों में तो नज़र आनी चाहिए, सब में गायब हो जाएगी वरना। अच्छा तो मैंने बोला इक्वल्स अगर है ईच पोस्ट डॉट आई डी, तो फिर आप क्या करो, नॉट इक्वल्स है, ये क्या कर रहा हूँ मैं, बटन इक्वल्स है अगर इस आई डी के ना, तो उस केस में इसको एम्प्टी स्ट्रिंग दिखा दो, एम्प्टी स्ट्रिंग को ऊपर ले आता हूँ, सही
सही है, मैंने कहा एडिटिंग जो हो रहा है ना अलग से स्टेट, उसकी आईडी और इस पोस्ट की आईडी अगर मैच हो जाए तो एम्प्टी स्ट्रिंग दिखा दो या नल कर दो, इसको नल भी चल जाता है, एक ही बात है, सही है, नल कर दो। और अगर वो नहीं मैच हो रही है तो फिर बटन दिखाओ। तो अब इससे होगा क्या कि जब मैं वंस एडिट का बटन प्रेस कर दूंगा तो ये बटन ही गायब हो जाएगा, ठीक है, बाकियों में आ रहा होगा ये बटन, इसमें गायब हो जाएगा, जब यहाँ क्लिक करूंगा तो इसका ये बटन गायब हो जाएगा। समझ में तो नहीं आया तुम लोगों के, शक्लों से पता चल रहा है, सही है भाई। जो ऊपर मैंने लॉजिक लगाई थी ना यहाँ पे भाई, ऊपर जो मैंने लॉजिक लगाई थी ना कि इस पोस्ट की आईडी और एडिटिंग वाले जो पोस्ट की आईडी अगर मैच हो जाए तो टेक्स्ट बॉक्स दिखा दो, वही लॉजिक नीचे लगा के मैंने बटन को गायब करवा दिया। मैंने कहा भाई सही है, वही सेम लॉजिक लगा के मैंने बटन को गायब करवा दिया, एडिट का बटन प्रेस किया तो यहाँ टेक्स्ट बॉक्स जिससे बनता है ना, जिस लॉजिक से, उसी लॉजिक से मैंने नीचे का बटन गायब करवा दिया। अब ये अपडेट का बटन प्रेस करने पे जो है ना एक्चुअल में अब क्या करना है, अब उसकी बारी है, कैसे होगा ये काम, ये तो इब्तदाई इश्क है, रोता क्या है, नहीं वैसे इतना मुश्किल नहीं है, ये तुम लोगों को शायद अभी लग रहा है ये करोगे तो हाथ सेट हो जाएगा, असल में देखो कोडिंग ना करके देखने वाली चीज़ मुझे करते हुए देखोगे ना, अच्छा मैं कितने आराम से करता जा रहा हूँ, मैं कितने आराम से करता जा रहा हूँ, जब करोगे तो फंसोगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा, कोई इतने मसले की बात नहीं है। इवेंट से नहीं हटाया, एक मिनट यार खामोश हो जाओ, ये आपके दोस्त सवाल पूछ रहे हैं भाई जी। इवेंट के थ्रू, इवेंट के थ्रू कैसे, मतलब ये ऑन क्लिक पे ही तो हो रहा है, ऑन क्लिक पे ही तो मैंने ये काम करवाया है, नहीं ऑन क्लिक के पैरामीटर को पकड़ने की जरूरत नहीं है मुझे फिलहाल। देखो वो ऑन क्लिक पे पैरामीटर तो मैं जब पकड़ूंगा ना जब टेक्स्ट अलग हो, क्योंकि सब में तो टेक्स्ट एक जैसा ही है। और टारगेटेड एलिमेंट को पकड़ के क्या करेगा, रीड एंडर पे दोबारा ले आएगा, इसमें रीड एंडर पे भी नहीं लाएगा जो मैंने जो तरीका किया है। देखो मैंने इसको एडिट दबा दिया, अब मैं नई पोस्ट भी करूँगा तो ये एडिट गायब नहीं होगा। वैसे तो इस तरह नहीं होता आमतौर पे, आप डायलॉग बॉक्स खुलवाते हैं, अभी वो हमने चीज़ें कड़ी अभी की नहीं है तो इसलिए मैं इस तरह कर रहा हूँ। आमतौर पे आप डायलॉग बॉक्स खुलवाते हैं ना या कोई पॉपअप खुलवा देते हैं, उसमें वो होता है एडिट, सब जगह इसी तरह होता है, लेकिन फिलहाल के लिए अभी ये वाला तरीका सही है। जी दोस्त, नहीं तो कैंसिल काम भी तो करना है, वही तो मैं कह रहा था कि बटन गायब करवा दें या कैंसिल का मैकेनिज्म कर लें, वो कैंसिल में उसको वापस फॉल्स करवाऊंगा कैंसिल हो जाएगा, वो ज़्यादा इजी काम है। ओ भाई तुम बटन का टेक्स्ट थोड़ी चेंज करोगे, स्टेट को अपडेट करोगे, जो ऊपर स्टेट है ना जहाँ पे मैंने आईडी रखवाई है कि यार अभी जो है वो ये वाला आइटम एडिट हो रहा है, उसको नल करवाऊंगा तो कोई भी एडिट नहीं होगा, फिर वो कैंसिल हो जाएगा, और टेक्स्ट को एम्प्टी करवा दूंगा, आईडी को नल करवा दूंगा। ये करके देखने वाला आइटम है, करके देखोगे तो समझ आएगा। अच्छा भाई अभी अपडेट फाइनली कर लेते हैं, क्लास का टाइम भी ओवर हो गया हमारे, कोड पुश कर लूँगा मैं। अच्छा ये जो फॉर्म है ना हमारा, ये फॉर्म पे ऑन सबमिट लगाना पड़ेगा मुझे, राइट, ऑन सबमिट में एक फंक्शन देना होगा, और वो फंक्शन कौन सा होगा, वो फंक्शन होगा ये हमारा अपडेट पोस्ट का फंक्शन होगा, ये हमारा अपडेट पोस्ट का फंक्शन आ गया, सही है, ये फंक्शन कॉल होगा। जब ये फंक्शन कॉल होगा तो इस वक्त जो पोस्ट अब एडिट हो रही है उसकी आईडी मुझे पता है कहाँ पर है, वो स्टेट में, और उसका जो अपडेटेड टेक्स्ट है वो कहाँ पर है, वो भी स्टेट में, तो दोनों चीज़ें मुझे पता है, ठीक है, तो बस आ जाओ फंक्शन के अंदर, इन दोनों चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं और हमारा मसला फिर हल हो जाएगा। कहाँ है वो दोनों स्टेट, ये नहीं ना, ये है ना वो स्टेट जहाँ से मुझे ये दोनों डेटा मिलेगा, ठीक है, तो अब मुझे कोई पैरामीटर इसमें लेने की ज़रूरत ही नहीं है,
ठीक है, पैरामीटर लेने की मुझे जरूरत ही नहीं है। मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा एडिटिंग डॉट एडिटिंग आई डी, सही है, और एडिटिंग डॉट एडिटिंग टेक्स्ट, ठीक है, ये अपडेट का फंक्शन मेरा कंप्लीट हो गया। ये समझ आया ना? अच्छा, ये करने के बाद मुझे ऑब्वियसली उसको ख़त्म भी कराना होगा। जब ये हो जाए ना कंप्लीट, तो जाहिर है वो एडिटिंग का जो बॉक्स है वो गायब भी तो कराना है ना। वो गायब कैसे होगा? वो ऐसे होगा, सेट एडिटिंग, और सेट एडिटिंग में मैं एक ऑब्जेक्ट रखूँगा जिसमें क्या बोलूँगा, एडिटिंग आई डी जो है वो क्या है, अब नल हो जाएगा, जो ओरिजिनली नल था दोबारा नल हो जाएगा, और एडिटिंग टेक्स्ट जो है वो क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग है। तो ये ऐसा करने से वो गायब हो जाएगा, सही है। तो जैसे ही अपडेट कंप्लीट हो जाए तो वो गायब भी हो जाए। गायब तो क्या, वो वैसे भी री रेंडर होगा, नहीं री रेंडर में गायब नहीं होता था ना, वो गायब तो हम करवाना पड़ेगा हमें, वरना वो खुद से गायब नहीं होगा। अब जैसे ये वाला एक टेक्स्ट है हमारा, 11:11 PM पे ये हुआ हुआ है, तो इसको मैं एडिट करता हूँ और मैं कहता हूँ भाई ABC और अपडेट। ओए क्या हुआ, एरर आ गया। ओ मेरा फॉर्म वो हो रहा है ना, मेरा फॉर्म रिफ्रेश हो रहा है, इसको मुझे वो करना पड़ेगा, प्रिवेंट करना पड़ेगा। सही है, वो मेरा फॉर्म पेज रिफ्रेश कर दे रहा है मेरा। अच्छा, अब आते हैं दोबारा एडिट करते हैं। मैंने कहा ABC और कोई एरर अगर आए तो सही है, अपडेट हो गया। सही है, अपडेट भी हो गया और वो सही भी हो गया। अब मैं इस वाले को अपडेट कर देता हूँ। मैंने कहा भाई ए लिख दो बहुत सारा इसके अंदर, और अपडेट, सही है, अपडेट हो गया। क्या मतलब, इसमें से एक ये जी हटा दें बस, ये कह रहे हो, तो जो लिखा हुआ होगा वही जा रहा है। अब यहाँ से मैं ABC के आगे मैं सी हटा दूँ इसमें से और अपडेट कर दूँ, तो ये अपडेट हो गया। ये फायरबेस से हमारा क्या बन गया, करंट ऑपरेशन पूरा हो गया आज, सही है। अब ये बताओ ये हो जाएगा ना फ्राइडे तक? कुछ भी नहीं है, इतना कुछ मुश्किल नहीं है, देख के कोड हाथ से लिखना है, हाथ से लिखोगे सब समझ। हाँ, कोड पुश नहीं करो? हाँ भाई, कोड पुश नहीं करो? हाँ बस, चलो सही है, फिर मैं कोड पुश नहीं कर रहा, आप लोगों की फरमाइश। हाँ नहीं, वो तो जाहिर है, एक एवोल्यूशन होता है ना, एक जाहिर है, मैं शुरू में एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ, फिर समझाता भी जाता हूँ, बोलता भी जाता हूँ, फिर लिखता भी जाता हूँ, बताता जाता हूँ। कोड पुश कर दूँ? नहीं, कोड पुश कर देता हूँ मैं, जो जिसको भाई पढ़ने का दिल करेगा ना, जो जो सीरियस होगा पढ़ाई में, वो उसको पता है कि क्या करना है उसने, उसको पता है कि उसने क्या करना है, और जो सीरियस नहीं है उसका तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकते हम, क्या करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास कोड और पुश कर देता हूँ कोड को, और ये वीडियो भी आपकी मैं अपलोड कर देता हूँ।